जरा ध्यान देना एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 एंड 32 आर दोज फ्यू कॉम्प्लिकेटेड सम्स विच आर विद रिस्पेक्ट टू हेजिंग स्टॉक विद स्टॉक फ्यूचर्स। और उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है जो मैंने थोड़ा क्रिएट किया हुआ है, 20th क्वेश्चन। अब बाकी के वो सब क्वेश्चन आपके पास पेपर में वन ऑफ द फ्यू वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक फ्यूचर्स एंड हेजिंग। अब जब मैं हेजिंग करूँ या आर्बिट्रेज करूँ TFP का जरूरत पड़ेगा मेरे को। ओके चलो, आपका अंडरलाइंग में पोजीशन है स्टॉक में और आप हेजिंग, आप जनरली हेजिंग क्यों करने जाते हो? जैसे आप करेंसी में हेजिंग क्यों करने जाते थे? रिस्क कम करने के लिए या रिस्क जीरो करने के लिए, वॉट एवर। सो हेजिंग से होता क्या है, गेन लॉस क्या होता है? नो गेन नो लॉस, यू लॉक इन एट दैट वैल्यू। सो अभी मेरे को क्या है, डर लग रहा होगा कुछ चीज तो मैं हेज करने जाऊंगा ना। मतलब सर आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी, पोर्टफोलियो है, और अब आपको थ्रेट लग रहा है कि अगर वैल्यू गिर गया तो, मार्केट गिर गया तो मेरे स्टॉक का क्या हो सकता है। मतलब व्हाट इज द अंडरलाइंग अजम्पशन हियर दैट आई ऑलरेडी हैव अ पोर्टफोलियो एंड नाउ आई एम वरीड वेदर द पोर्टफोलियो वैल्यू विल फॉल डाउन। एवरीवन, नाउ आर यू श्योर इट इज गोना फॉल डाउन? इफ आई वॉज श्योर कि पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरेगा तो मैं बेच देता ना, हेज कैसे करता? अब मेरे को नहीं पता है कि वो गिरेगा बढ़ेगा, आई एम नॉट श्योर, आई एम अनसर्टन। नाउ व्हेन आई से अनसर्टेनिटी एवरीवन द क्लास, अनसर्टेनिटी इज नॉट लॉस बट आई डोंट नो व्हाट द आउटकम विल बी। सो कंक्लूजन आई विल रिपीट, मेरा हेजिंग के पीछे का मकसद क्या है? मैं हेजिंग के पीछे का मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को लॉस जीरो जीरो करना है या मेरे को प्रॉफिट अटकाना है, व्हाटएवर। मेरा हेजिंग के पीछे का मकसद ये स्टेटस को, स्टेटस को मतलब जिधर उधर रह जाऊं, मार्केट किधर भी जाए मैं रुकू, मैं अटक जाऊं उधर ही, वो जो मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू उधर का उधर ही रहे। सो आई रिपीट, हेजिंग करने के पीछे का मेन कारण इसके लिए नहीं कि मेरे को डर लग रहा मार्केट गिरेगा, इसके लिए कि मेरे को पता नहीं गिरेगा या बढ़ेगा। अगर कंफर्म रहता कि गिरने वाला है तो हेजिंग ही नहीं करता, मैं बेच के बाहर निकल जाता। अंडरस्टूड? अब जब मैं हेजिंग करने जाऊंगा तो मैं फॉरएवर हेज नहीं करता हूं सर। अब ये जो मेरा थ्रेट है कि अनसर्टन सिचुएशन हो सकता है, वो थ्रेट का एक टाइम लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लग रहा है आने वाले एक महीने में गिर जाएगा तो मैं शायद एक महीने के फ्यूचर्स में हेज करूं। मुझे लग रहा है 3 महीने तक मेरे को रिस्क को कवर करना है तो 3 महीने तक। सर आपका इंश्योरेंस फॉरएवर नहीं रहता, इंश्योरेंस भी ईयरली ईयरली रिन्यू करना पड़ता है। सो हेजिंग भी इंश्योरेंस है विद टाइम लिमिट। सो अपने को 2-3 चीजें समझने की है कि आप हेज कर रहे हो, आपको थ्रेट क्या है, कितने टाइम का थ्रेट है। प्लस मैंने क्या बोला, व्हाट इज द अंडरलाइंग अजम्पशन दैट यू ऑलरेडी हैव द पोर्टफोलियो एंड नाउ यू आर वरीड, हेंस नाउ यू आर गोइंग फॉर हेजिंग। अंडरस्टूड? अगर मेरे को डर लगे मार्केट गिरने वाला तो मैं एंट्री ना हूं। ओके अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है और मैं उसको हेज करने के लिए क्या करूंगा, मैं रिलायंस का फ्यूचर्स में हेज करूंगा। सो सर सबसे पहले हेजिंग मतलब आपको जो चीज का थ्रेट है उसमें ऐसा पोजीशन लो डेरिवेटिव्स में कि आपको अंडरलाइन में लॉस हो तो डेरिवेटिव से कवर हो जाए। डेरिवेटिव्स क्या, इंश्योरेंस ही तो है। तो आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी को आपको डर लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, तो जितना भी नुकसान होगा उसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हो। इंश्योरेंस क्या करेगा, जितना इधर नुकसान हो रहा है उसका भरपाई करके दे देगा। सो मेरे लिए इंश्योरेंस क्या है, डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शंस, फॉरवर्ड, ये इंश्योरेंस है। इधर से पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलना चाहिए सर, उतना जितना इतना लॉस होगा ताकि मेरा लॉस कवर अप हो जाए, दैट इज दी ऑब्जेक्टिव। सो नाउ व्हेन आई गो फॉर हेजिंग विथ फ्यूचर्स, एवरीवन अच्छे से ध्यान देना, हेजिंग ऑफ अ स्टॉक और अ पोर्टफोलियो मीन्स क्या, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एडवर्स और अनफेवरेबल पोजिशन इन द अंडरलाइंग एसेट स्पॉट। मतलब मेरा अनफेवरेबल पोजिशन मतलब स्पॉट में अगर भाव गिर गया तो उसको मैं बचाऊंगा किससे, सर वेरी इंपॉर्टेंट, बाय टेकिंग अ काउंटर और ऑपोजिट पोजिशन इन द डेरिवेटिव्स। क्या बोला मैंने, काउंटर और ऑपोजिट पोजिशन, मतलब सर अगर मैंने अंडरलाइन में अगर मैंने शेयर बाय किया हुआ था,
शेयर बाई क्या होता है समझो, मतलब मैंने बोला लॉन्ग किया हुआ है तो मैं फ्यूचर में, मेरे को डर क्या लग रहा है इधर कि भाव गिर जाएगा, तो फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा पोजीशन लूँ कि गिरे तो फायदा हो, मैं शॉर्ट करूंगा आज, शॉर्ट सेलिंग, मैच्योरिटी में लॉन्ग करूंगा, तो क्या हो जाएगा सर, नीचे जाएगा तो जो अंडरलाइंग में लॉस होने वाला है उतना फ्यूचर से कवर अप हो जाएगा। लेकिन 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 सर, अगर मार्केट ऊपर गया तो अंडरलाइंग में गेन होगा ना, फ्यूचर में नुकसान होगा क्योंकि आपने शॉर्ट किया है। सर इन शॉर्ट क्या होगा, आप जिधर थे उधर ही रहोगे, जिधर थे उधर ही रहोगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको तकलीफ पता होना चाहिए कि इस चीज के लिए एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए मतलब जितना अंडरलाइंग में पोजीशन लिया है उतना ही फ्यूचर में लेना चाहिए। लेकिन तकलीफ क्या है सर, फ्यूचर मिलता है स्टैंडर्ड लॉट में, तो क्वांटिटी को एडजस्ट करना पड़ता है। किसको एडजस्ट करना पड़ता है, आपकी और अंडरलाइंग की क्वांटिटी और फ्यूचर की क्वांटिटी। मतलब अंडरलाइंग में मेरे पास 15-20 शेयर है लेकिन फ्यूचर मिनिमम 20-20 का लॉट है, तो मेरे को क्वांटिटी एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ, कैसे वो अपन देखेंगे। सो तकलीफ क्या क्या आ सकती है वो मैं बता रहा हूँ हेजिंग करने के दौरान। एक और तकलीफ आ सकता है कि आप जिस स्टॉक को हेज करने जा रहे हो उसका फ्यूचर ही अवेलेबल ना हो, तो मतलब मैंने आपको बोला एनएससी बीएससी में 5-5.5 हज़ार शेयर लिस्टेड है, सबका एफएनओ नहीं होता है, सबका फ्यूचर ऑप्शन नहीं होता है, वो एक्सचेंज डिसाइड करेगा कौन से शेयर का फ्यूचर ऑप्शन रखना है जिसमें वॉल्यूम होगा। अभी एक्सचेंज ने समझो 1,000 शेयर का भी नहीं, एक्सचेंज ने 200 शेयर का ही एफएनओ रखा हुआ है। अभी मेरे स्टॉक का अगर फ्यूचर ही नहीं है तो, मेरे स्टॉक का फ्यूचर या ऑप्शन ही नहीं है तो मेरे को हेज किससे करूं, मैं उससे हेज करूं जो 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 एक ब्रॉडर इंडिकेटर है और जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, किसमें, निफ्टी में। लेकिन सर अब जब मैं मेरे स्टॉक को किसी और चीज से हेज कर रहा हूं तो रिस्क भी तो दोनों का अलग होगा। जब मैं रिलायंस को रिलायंस के फ्यूचर के साथ ही हेज करता हूं तो जो रिलायंस में चेंज होने वाला है वही रिलायंस के फ्यूचर में होगा, क्योंकि रिलायंस का फ्यूचर इज डेरिवेटिव विच वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। तो अगर रिलायंस 10% से गिरेगा तो एक अजम्पशन है कि रिलायंस का फ्यूचर भी तकरीबन 10% से गिरेगा। लेकिन सर जब रिलायंस गिरेगा 10% से तो ये जरूरी नहीं कि निफ्टी का फ्यूचर भी 10% से ही गिरे। सो वो मुझे कौन बताएगा कि अगर 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 इंडेक्स में कुछ गिर रहा है, मतलब मार्केट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो स्टॉक में कितना चेंज हो, ये कौन बताएगा। वेरी गुड, बीटा। क्या बताता बीटा, चेंज इन समथिंग ड्यू टू समथिंग। किसके अंदर चेंज, मार्केट के अंदर चेंज नहीं, स्टॉक के अंदर चेंज, किसकी वजह से, मार्केट के। नो स्टॉक मतलब रिलायंस, रिलायंस कुछ भी हो सकता है, टीसीएस, टाटा मोटर्स, एक्सिस। मार्केट मतलब, मार्केट मतलब निफ्टी, निफ्टी या निफ्टी का फ्यूचर, एक ही चीज तो है। सो जब मैं रिलायंस को रिलायंस के फ्यूचर के साथ ही हेज करूंगा तो दोनों का रिलेशनशिप सेम होगा या अलग होगा, सेम। लेकिन जब मैं रिलायंस को निफ्टी के फ्यूचर के साथ हेज करना पड़े, ऐसी नौबत आए, तब 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 दोनों का रिलेशन मतलब दोनों का बीटा अलग होगा। ऐसे केस में बीटा इंस्टीट्यूट मेरे को दे देगा सम के अंदर। अब मैं वही चीज बताने जा रहा हूं कि हेजिंग, हेजिंग का मतलब क्या है, हेजिंग का मतलब है कि ओवरऑल बीटा जीरो कर दो। ओवरऑल बीटा जीरो कर दो मतलब आपका अंडरलाइंग में रिस्क है, फ्यूचर में ऐसा कुछ करो कि बीटा जीरो हो जाए। बीटा जीरो मतलब नो रिस्क, मतलब हेजिंग मींस मेकिंग द रिस्क ऑफ द ओवरऑल हेज पोर्टफोलियो दैट इज अंडरलाइंग एसेट प्लस फ्यूचर पोजीशन टू जीरो, देयरफॉर हेज पोर्टफोलियोज रिस्क आफ्टर कंसीडरिंग द फ्यूचर्स पोजीशन शुड बी जीरो। अब सर मैं करने वाला हूं हेजिंग स्टॉक विथ, पहले स्टॉक फ्यूचर्स और फिर मैं करूंगा स्टॉक विथ इंडेक्स फ्यूचर्स। सर इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी के फ्यूचर के साथ हेजिंग करने की जरूरत क्यों पड़ेगी मेरे को, क्या लिखा है मैंने, ऑफ द मेनी रीजंस द टू मेजर वंस ड्यू टू विच अंडरलाइंग एसेट इज हेज्ड विथ इंडेक्स फ्यूचर्स। इधर ध्यान देना, सब उधर है, टेंशन मत लो। क्या बोला मैंने, मेरे स्टॉक को इंडेक्स के फ्यूचर के साथ हेज करने की नौबत क्यों आए, दो रीजन है। पहला क्या, द फ्यूचर्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज नॉट अवेलेबल। सर अंडरलाइंग एसेट में कोई स्टॉक होगा उसका शायद फ्यूचर ना हो, प्लस
प्लस प्लस प्लस एक और चीज हो सकता है, अभी मैंने ये भाई के लिए पोर्टफोलियो बनाया है, इसके पोर्टफोलियो में मैंने टीसीएस लिया हुआ है, टाटा मोटर्स लिया हुआ है, और मैंने और दो तीन स्टॉक लिया हुआ है, सनफार्मा वगैरह लिया हुआ है, ये मेरा यूनिक पोर्टफोलियो इसके लिए बनाया है अलग अलग वेट्स पे, इसका थोड़ी ना कोई फ्यूचर होगा, इंडिविजुअल स्टॉक का होगा बट मेरे पोर्टफोलियो का फ्यूचर नहीं होगा, तब मैं किससे हेज करूं? इंडेक्स से। एवरीवन, सो क्या लिखा है मैंने, द फ्यूचर ऑफ द अंडरलाइंग एसेट वेदर अ स्टॉक और पोर्टफोलियो अवेलेबल ही नहीं होगा तो मेरे को इंडेक्स फ्यूचर से हेज करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर अवेलेबल हुआ तो भी उसमें इतना वॉल्यूम नहीं रहा तो इट इज बेटर कि जिसमें वॉल्यूम है उससे हेज करूं। तो क्या बोला मैंने, इवन इफ इट इज अवेलेबल इट मे नॉट हैव इनफ वॉल्यूम लिक्विडिटी और डेप्थ एज कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट इन लाइक निफ्टी इंडेक्स। सो ऐसे केस में क्या, इट इज ड्यू टू दिस रीजन सर, मतलब जब आप हेज करोगे अपने स्टॉक को किसी और चीज के साथ तो सर आपका पोर्टफोलियो बीटा मतलब क्या चीज का पता है बीटा सर, आपके अंडरलाइंग एसेट और फ्यूचर का, दोनों का रिलेशन, वो दोनों का रिलेशन क्या सर सेम होगा क्या? नहीं। सो इससे क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं सर, लेकिन ये सबसे करना क्या है बेसिकली, ये सबसे मेरे को ऐसा करने का कि मेरे पोर्टफोलियो में रिस्क बचे ही नहीं। अब सर रिस्क भी क्या आपको याद है, रिस्क रिस्क मतलब जीरो करना, हेजिंग करना, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे याद है फॉरेन एक्सचेंज में कि व्हाट विल यू बी हायर्ड फॉर, पॉइंट नंबर वन हेजिंग करूं या नहीं, पॉइंट नंबर थ्री पहले पूछूंगा किससे हेज करूं, लेकिन व्हाट वाज पॉइंट नंबर टू, कितना हेज करूं, तो सर मैं 0% हेज करूं या 100%, क्या लगता है आपको रियलिटी में दुनिया क्या करती है, समवेयर बिटवीन बोथ, याद है ना कोरिलेशन, माइनस वन पे 100% हेज, +1 पे 0% हेज, इन रियलिटी वी मेक पोर्टफोलियो बिटवीन -1 एंड +1। एवरीवन, तो सर हेजिंग अभी जब मैं करने जा रहा हूं यहां पे, तो मेरे को हेजिंग के केस में ये कैसे नड़ेगा मेरे को मतलब ये व्हाई एम आई कंसीडरिंग कि मेरे को हेजिंग पूरा करना है कि नहीं। सर किसी को भी पोर्टफोलियो का रिस्क, ऐसा जरूरी नहीं कि रिस्क जीरो करना है, अभी कभी कभार स्टॉक का बीटा बहुत अग्रेसिव हो सकता है, अग्रेसिव मतलब वन से ज्यादा बीटा मतलब क्या सर, वन से ज्यादा बीटा अगर मैं बोलू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन से बीटा ज्यादा, मतलब समझो सर रिलायंस का बीटा मैं लिखता हूँ 1.25 है, मतलब अगर मार्केट मतलब समझो निफ्टी और रिलायंस, मतलब निफ्टी अगर 10% से चेंज हुआ तो ये कितने से चेंज होगा मेरा, रिलायंस 12.5% से चेंज होगा। अब मेरे को लगता है रिलायंस बहुत अग्रेसिव है यार, रिलायंस का थोड़ा रिस्क कम करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर मैं रिलायंस का रिस्क कैसे कम कर सकता हूं, हाँ सर आप क्या करो, आप इसका बीटा एडजस्ट करो, ऐसा एडजस्ट करो कि इसका रिस्क मार्केट जितना हो जाए। मार्केट का रिस्क क्या होता है, वन, मतलब मार्केट का बीटा वन मतलब क्या, जितना मार्केट में चेंज होता है उतना ही स्टॉक में। सो सर ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं रिस्क एडजस्टमेंट, मतलब सर मेरे को बीटा बनाना कितना है, हाउ मच बीटा शुड आई मेक, दैट इज व्हाट इज एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स इंडिविजुअल व्यू। समवन वुड से दैट सर मेरे को रिस्क ही नहीं चाहिए, मतलब उसको बीटा क्या चाहिए, जीरो। कोई जन ये बोलेगा मेरे को रिस्क मार्केट जितना चाहिए, मतलब बीटा कितना चाहिए, वन। कोई ये भी बोल सकता है मेरे को रिस्क बढ़ाना है, मतलब पोर्टफोलियो का बीटा 1.25 है, वो बोल सकता है सर मेरे को रिस्क बढ़ाना है, मतलब मेरे को 1.5 करना है, तो 1.5। ये कौन सा बीटा है सर, ये आपका डिजायर्ड बीटा है, आपका टारगेट बीटा है, इसको हम लोग टारगेट बीटा बोलते हैं, कि आपको टारगेट क्या करना है, आपको रिस्क जीरो करना है, बढ़ाना है, कम करना है, मार्केट जितना करना है। एवरीवन सुनो, रिस्क एडजस्टमेंट क्या है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। रिस्क एडजस्टमेंट मतलब क्या, कि आपका बीटा है कितना और करना कितना है। बीटा है कितना मतलब सर आपका अंडरलाइंग एसेट और फ्यूचर का रिलेशन कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो बीटा। अंडरलाइंग एसेट और फ्यूचर, मतलब अंडरलाइंग एसेट समझो रिलायंस है और रिलायंस का ही फ्यूचर से हेज कर रहा हो, तो दोनों का रिलेशन क्या है, सेम, वन।
लेकिन अगर मैं रिलायंस को निफ्टी फ्यूचर के साथ हेज कर रहा हूं तो रिलेशन मेरे को पता है कि क्या है, सेम होगा क्या, जरूरी है क्या, ऐसे केस में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे देगा। एंड सिमिलरली एवरीवन जरा ध्यान देना, अगर मेरे को रिस्क जीरो करना है, मतलब कंप्लीट हेज करना है, तो टारगेट बीटा क्या होगा? जीरो, ये इंस्टीट्यूट बोलेगा नहीं। बाय डिफॉल्ट हेजिंग मींस टारगेट बीटा जीरो। लेकिन अगर रिस्क कम ज्यादा करना है, बढ़ाना है, थोड़ा 0.9 करना है, 0.8 करना है, तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में डाल देगा। अब ये सबको अप्लाई करके क्या आउटकम आता है, ये सबको अप्लाई करके क्या आउटकम आता है, मैं आपको बताऊं यहां पे। उसके लिए एवरीवन कम टू दिस सम, और आने वाला 10-15 मिनट चाय का मजा लो, लेकिन 10-15 मिनट जरा देखो मैं पोर्टफोलियो में क्या कर रहा हूं। दिस इज द सम दैट आई हैव क्रिएटेड, देयर इज नो सच सम, बट ये सम के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो एवरीवन, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 28, हाँ, सो दिस सम इज जस्ट नॉट अ सम, इट्स अ कॉन्सेप्ट एवरीवन। हाँ दोस्त, लव पढ़ना, स्टॉक ऑफ किसका? एक्सिस बैंक, मतलब मेरा सर यहां पे मैं इंफॉर्मेशन जैसे जैसे वो पढ़ रहा है वो मैं लिखते जा रहा हूं। एक्सिस बैंक का मेरा अंडरलाइन का एसेट है। हाँ हाँ स्पॉट का भाव दिया है अपने को कितना, S0 1500। हाँ क्वांटिटी किया कितना दिया है, 1000। एवरीवन, तो सर मैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना लिखूं? मैं लिख सकता हूं 15 लाख। एवरीवन विथ मी? हाँ सर, 3 मंथ किसका फ्यूचर दिया है? एक्सिस का ही फ्यूचर दिया है। कितना है भाव फ्यूचर का, 3 मंथ फ्यूचर का भाव? 1200। लेकिन सर फ्यूचर में आपको एक चीज पता है, फ्यूचर मिलता है स्टैंडर्ड लॉट में, तो मेरे को दिया रहेगा लॉट साइज। हाँ कितना है? 50 का लॉट। सर मतलब एक फ्यूचर आपको उठाने का है तो कितने का पड़े उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज। मतलब एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का? एक फ्यूचर 1200 का है, एक में 50 का लॉट है, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है एवरीवन इन द क्लास? 1200 × 50, 60,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। समझे क्या पब्लिक? 1200 का एक का भाव है, 50 का मिनिमम लॉट है, आपको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का पड़े? 60,000 का मिनिमम करने का, 60,000 के वॉल्यूम में। समझा क्या दोस्त? बोल 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 आगे। थ्री मंथ अभी क्या बोला दोस्त तेरे को? इंडेक्स फ्यूचर, ये तीसरा चीज है। हाँ इस ट्रेडिंग एट ₹5,000 और इसका लॉट कितना है? 25। मतलब सर इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज जरा निकालो, 5,000 × 25। एवरीवन 5,000 × 25, हाँ 1,25,000। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो, आगे बढ़े इसके पहले पूरे क्लास को थोड़ा दिमाग लगाना यहां पे। अगर मैं एक्सिस को एक्सिस के ही फ्यूचर के साथ हेज करूं, और अगर मैं एक्सिस को इंडेक्स के फ्यूचर के साथ हेज करूं, तो सर मेरा कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स क्या चेंज होना चाहिए? पोर्टफोलियो बीटा। बीटा में भी कौन सा? पोर्टफोलियो बीटा। सर अभी मैं आपको पूरे क्लास को क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक जगह पे जहां पे मेरे को पोर्टफोलियो बीटा का इंस्टीट्यूट के तरफ से जरूरत नहीं है। कब? जब मैं किसको किसके साथ हेज कर रहा हूं? एक्सिस को एक्सिस के फ्यूचर के साथ। तब रिलेशन क्या होगा दोनों का? 1:1। लेकिन जब मैं एक्सिस को इंडेक्स के साथ हेज कर रहा हूं तो मेरे को इंडेक्स मतलब मार्केट और एक्सिस का रिलेशन चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या दिया दोस्त क्वेश्चन में? बीटा ऑफ एक्सिस इज 1.5। ये किसका रिलेशन है सर? एक्सिस का विथ मार्केट। एवरीवन विथ मी?
मेरी बात अच्छे से सुनना, जो उन्होंने नहीं दिया मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, उन्होंने एक्सिस का एक्सिस के साथ रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया है। सर जरूरत भी है क्या मेरे को? नहीं है, क्योंकि एक्सिस का एक्सिस के फ्यूचर के साथ रिलेशन सेम रहेगा। जो एक्सिस में चेंज होगा वही एक्सिस के फ्यूचर्स में होगा, क्योंकि एक्सिस का फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग एसेट दैट इज एक्सिस। समझा क्या एवरीवन इन द क्लास? आगे हाँ, क्या बोला है? सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइज। सर कितना कॉन्ट्रैक्ट से हेज करूं कि क्या? आगे क्या बोला है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और रिजल्ट। मैं ना एक और चीज लिखूंगा, पोजीशन या स्ट्रेटेजी एंड द रिजल्ट ऑफ हेजिंग। हाँ क्या? इफ हाँ, मतलब पार्ट वन में क्या बोला है दोस्त? यूजिंग स्टॉक फ्यूचर, मतलब किसको किसके साथ हेज करने का? सर एक्सिस को उसी के फ्यूचर्स के साथ। सर यहां पे ध्यान देना, मैं पहले वाले पार्ट में एक्सिस को किसके साथ हेज करूंगा? एक्सिस के फ्यूचर के साथ। हाँ तब उन्होंने बोला क्या निकालने को? कॉन्ट्रैक्ट साइज। लेकिन आगे भी कुछ बोला, क्या बोला दोस्त आगे पढ़? क्या बोला? इफ द इन्वेस्टर डिजायर्स टू कंप्लीटली हेज, मतलब कंप्लीटली हेज मतलब टारगेट बीटा क्या? सर दो चीज आपको इंस्टीट्यूट देने की जरूरत नहीं यहाँ पे। पोर्टफोलियो का बीटा क्या रहेगा? सर एक्सिस को एक्सिस के साथ हेज कर रहे हो तो वन, और कंप्लीट हेज मतलब टारगेट बीटा, रिस्क क्या करना है? जीरो। बस इतना समझने का है, अभी कैलकुलेशन बाद में मैं बताऊंगा। हाँ दूसरा क्वेश्चन पढ़ दोस्त, दूसरा क्वेश्चन वो पढ़ रहा है इंडेक्स फ्यूचर, मतलब एक्सिस को किसके साथ हेज करना है मेरे को? सर एक्सिस को अभी निफ्टी के या इंडेक्स जो भी रहेगा, एक्सिस वर्सेस अल्टेक इंडेक्स फ्यूचर्स। हाँ तब तब सर बीटा सेम रहेगा क्या? बीटा पोर्टफोलियो, बीटा पोर्टफोलियो सेम रहेगा क्या? ये किसके बीच का रिलेशन है? एक्सिस और उसके इंडेक्स के फ्यूचर का। सर बीटा पोर्टफोलियो दिया हुआ है मेरे को, कितना है? 1.5। आई टेक द बीटा पोर्टफोलियो विल बी 1.5। हाँ आगे, इफ ही डिजायर्स टू कंप्लीटली हेज मतलब टारगेट बीटा क्या करना है? जीरो। समझा क्या पब्लिक? हाँ और आगे दोस्त, यूजिंग एक सेकेंड आराम से, यूजिंग क्या? इंडेक्स फ्यूचर, मतलब वापस से किसको किसके साथ हेज कर रहा हूं सर मैं? एक्सिस को इंडेक्स के फ्यूचर्स के साथ। सर अभी पूरा क्लास बताएगा क्या बीटा पोर्टफोलियो क्या सेम रहेगा क्या? क्या लिखू मैं? 1.5। लेकिन अब नया चीज क्या होगा? हाँ आगे क्या बढ़ दोस्त? If the investor decides to do the risk equivalent to that of market, sir, market के जितना risk बनाना चाहता है, मतलब target beta कितना करना चाहता है? One. पूरे class को समझा क्या? क्या करने का है? अब वो जो भी करने का है, बाकी का मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पूरा concept समझा क्या? दो beta. क्या दो beta है? सर एक beta क्या बता रहा है अपने को? दो beta में से ये एक beta बता क्या रहा है आपको सर? एक बीटा पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा क्या बता रहा है? किसका किसका रिलेशन? अंडरलाइंग एसेट और डेरिवेटिव का। सर जिसका एसेट है मतलब एक्सिस बैंक का ही अगर फ्यूचर है तो पोर्टफोलियो बीटा क्वेश्चन में देने की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं, वन। लेकिन अगर एक्सिस बैंक को मैं किसी और के फ्यूचर के साथ हेज कर रहा हूं तो क्वेश्चन में दिल गिव मी द रिलेशन। अगर कंप्लीटली हेज कर रहा हो तो टारगेट बीटा जीरो, मार्केट जितना कर रहा हो तो वन, मार्केट से कम ज्यादा करो तो क्वेश्चन में देंगे। अब सर ये सब का मैं कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन 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 अगर सर मैं कंप्लीटली हेज कर दू, कंप्लीटली हेज कर दू तो हेजिंग के बाद मेरा नेट गेन लॉस, नेट गेन लॉस क्या आएगा सर? जरा बताओ, कंप्लीटली हेज इधर कर रहे हो उधर, इधर नेट गेन लॉस क्या आएगा सर? पहले वाले केस में जीरो, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में जीरो होगा क्या? रिस्क किसके जितना होगा? मार्केट के जितना। सर अगर हेज नहीं करते
और समझो मैं बोल देता कि मार्केट 10% से गिर गया, क्या बोला मैंने, मार्केट 10% से गिर गया अगर हेज नहीं करते तो सर आपका एक्सिस कितने से गिरता, एक्सिस का बीटा क्या है, मार्केट 10% से तो एक्सिस का बीटा 1.5, एक्सिस कितने से गिरता, 15%। 15% मतलब सर 15%, 15 लाख का कितना होता है, 15 लाख का अगर मैं 15% करूं तो होता है 2,25,000। हेज नहीं करता तो 2,25,000 का लॉस, पूरा हेज करता तो लॉस जीरो। सर मार्केट जितना हेज करूंगा मतलब मार्केट जितना ही गेन लॉस होगा, 10% ही होगा, मतलब कितना, 1.5 लाख। सर मेरा आंसर है ना, आंसर, द ब्यूटी ऑफ डेरिवेटिव इज दैट माई आंसर इज ऑलरेडी रेडी, आई ऑलरेडी हैव द आंसर। गेन होगा या लॉस होगा, सर गेन होगा या लॉस होगा, लॉस होगा, क्यों, क्योंकि गिरेगा, मार्केट जितना नहीं हेज करता तो पूरा लॉस होता, मतलब पूरा नहीं हेज करता तो पूरा लॉस होता, हेज करता तो नो लॉस। हेज पूरा नहीं किया, मार्केट जितना ही किया, मार्केट जितना ही किया तो मार्केट जितना ही नुकसान होगा। अब ये सब कैसे करने का वो मैं बताऊंगा, बट जरा प्लॉट समझा क्या पब्लिक, एवरीवन एवरीवन। अब मैं बिफोर आपको समझाऊं आगे का सिचुएशन, उसके पहले अभी अपन पूरा क्लास है ना अपने रेफरेंस के लिए पढ़ने वाले हैं क्या क्या छोटा मोटा पॉइंट्स जो अपने को आगे जाके नड़ सकता है। हाँ किधर किधर, हेजिंग स्टॉक विथ स्टॉक फ्यूचर्स अपन पढ़ेंगे, और हेजिंग स्टॉक विथ इंडेक्स फ्यूचर, और फिर टारगेट बीटा। एवरीवन तो सर जरा आ जाओ, हेजिंग स्टॉक विथ स्टॉक फ्यूचर्स, सब लोग हेजिंग स्टॉक विथ स्टॉक फ्यूचर्स। हाँ ब्रिजेश पढ़ना क्या लिखा है, हेजिंग स्टॉक विथ स्टॉक फ्यूचर्स, टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जीरो, यर द रिस्क ऑफ द स्टॉक इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या, बीटा। सर बीटा क्या है, बीटा मीन सेंसिटिविटी ऑफ समथिंग ड्यू टू समथिंग, किसके अंदर चेंज, स्टॉक के अंदर ड्यू टू मार्केट। आगे देयरफॉर सर, तो पोर्टफोलियो बीटा मतलब क्या, आपके पोजीशन का रिलेशन, आपके पोजीशन में अभी दो चीजें सर, क्या दो चीजें, अंडरलाइंग एसेट भी है और उसका फ्यूचर्स भी है। आगे हाँ एवरीवन, आप अपने ही स्टॉक को उसी के फ्यूचर के साथ हेज करोगे तो उनका रिलेशन क्या होने वाला है, वन। हाँ अब मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, आप वो बीटा को ना, जिनको समझता है पोर्टफोलियो, आप वो बीटा को कोरिलेशन जैसा ट्रीट कर सकते हो, कोरिलेशन मतलब दोनों में सेम चेंज। सर बीटा कोरिलेशन आप दोनों सेम रख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बीटा कोरिलेशन से ही निकलता है। बीटा का फॉर्मूला याद है क्या, बीटा का फॉर्मूला याद है क्या, कोवरियंस अपॉन वरियंस, उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है पता है, कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ स्टॉक अपॉन मार्केट, अंडरस्टूड। हाँ ये कब, तो इससे क्या पता चला, बोल 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 बोलो बोलना, डाउट कुछ, ये भूल गया, बीटा का कोवरेंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट अपॉन वरेंस ऑफ मार्केट, लेकिन कोवरेंस कैसे आता है, कोवरेंस कैसे आता है, कोवरेंस कोवरेंस कोरिलेशन इनटू दोनों का स्टैंडर्ड डिविजन, सो कोरिलेशन इनटू दोनों का स्टैंडर्ड डिविजन आता है अपॉन वरेंस ऑफ मार्केट, ऐसा आता है। अभी उसमें से कट कट तो बचता ही है, अंडरस्टूड। ओह पोर्टफोलियो का टेंशन आ गया, पोर्टफोलियो तो भूल ही गया फॉरेक्स के चक्कर में, बाप रे ये क्या सर बीच में डाल दिया, आई एम सो सॉरी माई मिस्टेक, जैसे तैसे तो पोर्टफोलियो दिमाग में गया था। अभी मैं पूरा पोर्टफोलियो भी लाऊंगा धीरे धीरे करके, पोर्टफोलियो का इसका कनेक्शन करूंगा, आज ऐसे एक्सटेंडेड नहीं रखा है, त्रास होगा इसके लिए रखा है। करने वाले सम ज्यादा नहीं आज के दिन, एक्सटेंशन काय को पता है क्या, तुमको और एक ब्रेक का जरूरत पड़ेगा, और एक बार चाय वाले को बुलाना पड़ेगा, अभी अभी टाइम है। हाँ आगे, ये कब सर, आप किसको किसके साथ हेज कर रहे हो, तो स्टॉक को स्टॉक के फ्यूचर्स के साथ, तो मेरे को क्या चीज की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो बीटा को इंस्टीट्यूट को देने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी हेजिंग स्टॉक विद इंडेक्स फ्यूचर्स पर उसमें पोर्टफोलियो बीटा, हाँ
अंडरलाइंग एसेट, हाँ पोजीशन, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है इंडेक्स, जो इंस्टीट्यूट ज्यादातर मैंने देखा है इंस्टीट्यूट अपने को निफ्टी या सेंसेक्स का फ्यूचर देता है, हालांकि पब्लिक बैंक निफ्टी वगैरह भी ट्रेड करता है इंडिया में अच्छे से, तो आप बैंक निफ्टी भी ले सकते हो, मतलब वो क्वेश्चन देगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज गोना बी निफ्टी फ्यूचर्स, इंडिया का इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स, यूएस का इंडेक्स नैसडेक और डाउ जोन्स, नैसडेक और डाउ जोन्स आर सॉरी नैसडेक एंड एनवाईएसई आर एक्सचेंजेस, नैसडेक पे S&P 500 और डाउ जोन्स पे, डाउ जोन्स किस पे, एनवाईएसई पे, दोज आर इंडेक्सेस, सो इफ यू आस्क मी इंडेक्स, इंडेक्स इज S&P 500 एंड डाउ जोन्स, और वो कहाँ पे ट्रेड होता है, नैसडेक पे या एनवाईएसई पे, तो ये ग्लोबल इंडेक्सेस सर, ग्लोबल इंडेक्सेस आप मनी कंट्रोल में भी आप देखोगे, तो यहाँ पे मैं इंडेक्सेस पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्सेस में भी ऑप्शन आएगा, DJIA दिख रहा है, डाउ जोन्स इंडेक्स और S&P 500 दिख रहा है पब्लिक, ऐसा है, और बाकी के ये सब इंडेक्सेस, CNX IT इंडेक्स, ऐसा सब इंडेक्स है, बैंक निफ्टी टॉप पे दिखेगा आपको, मिड कैप इंडेक्स भी है, ऐसे सब इंफ्रा इंडेक्स वगैरह है, बहुत कुछ है, ये खत्म होने के बाद बहुत कुछ कमाना भी बाकी है जिंदगी में, ऐसा है सर। ऐसे केस में पोर्टफोलियो बीटा, मतलब किसका रिलेशन सर, स्टॉक और इंडेक्स का रिलेशन, ऐसे केस में आपको पता है बीटा कैन बी मोर देन वन, लेस देन वन, वन, जीरो, नेगेटिव, एनीथिंग, सर ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, क्या लिखा है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। टारगेट बीटा मतलब, टारगेट बीटा मतलब मेरा डिफाइंड, मेरे को कितना रिस्क बनाना है, अब ये सर ये आपका चॉइस है, आपको पूरा हेज करना है, इफ द पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड टू बी हेज कंप्लीटली तो टारगेट बीटा जीरो, एट टाइम्स अपन रिस्क किसके जितना करते हैं, मार्केट जितना करते हैं, तो टारगेट बीटा वन, और क्या लिखा है सी वाले पॉइंट में, सिमिलरली इंक्रीज और डिक्रीज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे किस में क्या बोला है मैंने, दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, हाँ अंडर हेजिंग, अब तक आप समझ गए होंगे, दो चीज जरूरी है हेजिंग के लिए, एक रिस्क मैनेजमेंट, मतलब है कितना और करना कितना रिस्क, मतलब पोर्टफोलियो बीटा है उसको टारगेट बीटा कितना लाना है, रिस्क क्या है पता है सर, ये रिस्क है ना गेयर है, आपका गेयर है ना स्टॉक को, स्टॉक के साथ हेज करो तो एक पे, उसको कंप्लीटली गाड़ी को बंद करना है तो न्यूट्रल पे लाना है तो जीरो पे, अगर आपको रिस्क बढ़ाना है तो दो तीन, आपका ऑलरेडी स्टॉक और इंडेक्स का रिलेशन दो पे है, रिस्क कम करना है वन, मार्केट जितना करना है तो वन, रिस्क जीरो करना है तो पीछे, और रिस्क बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज, तो सर ये गेयर सिस्टम एक ही है, आप गेयर को आगे पीछे कर रहे हो, मतलब पोर्टफोलियो बीटा को एडजस्ट कर रहे हो, सो पोर्टफोलियो बीटा से टारगेट बीटा मैं आगे या पीछे जाऊंगा, समझा क्या मतलब सर, मैं क्या करूंगा, बीटा पोर्टफोलियो माइनस टारगेट बीटा, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है पता है, ये रिस्क एडजस्टमेंट है, अभी लोगों को लगता है ये दो बीटा है सर, ये दो बीटा नहीं है, ये एक ही गेयर है आगे पीछे, मेरा पोर्टफोलियो का बीटा 1.5 है, मैं उसको जीरो करूंगा, वन है उसको जीरो करूंगा, 1.5 है उसको टू करूंगा, ये क्वेश्चन बताएगा मेरे को, क्वेश्चन बताएगा मतलब सर यहां पे ध्यान दो, अभी आप जो क्वेश्चन किए ना, अभी 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 जो ओपन कर रहे थे ना सॉल्यूशन में, मैं उस पे आता हूं, हाँ सर आपका रिस्क है कितना, यहां पे एक्सिस विद एक्सिस के साथ वन, आप उसको क्या कर रहे हो जीरो, तो अब मैं अगर जब कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालने जाऊं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकलता है, रिस्क है कितना और उसको कर क्या रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, टारगेट बीटा माइनस पोर्टफोलियो बीटा, मैं आपको बताता हूं इसका क्यू, टारगेट बीटा माइनस पोर्टफोलियो बीटा, ये इधर से क्या आएगा, रिस्क है कितना सर, रिस्क कितना है 1.5 और उसको करना जीरो है, इधर रिस्क कितना है सर 1.5 है, उसको किधर तक लाना है, वन तक ही लाना है, सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं इक्वेशन में, कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकलता हूं पता है, टारगेट बीटा माइनस पोर्टफोलियो बीटा, रिस्क है कितना वो पोर्टफोलियो बीटा बताएगा, उसको लाना किधर है टारगेट बीटा, अब मैं
बीटा टी माइनस बीटा पी क्यों लिख रहा हूं, बीटा पी माइनस बीटा टी क्यों नहीं, वो आपको एक मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन सर ये तो एक चीज एडजस्ट हुआ रिस्क का, लेकिन मेरे को तो क्वांटिटी भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का क्वांटिटी अलग है और फ्यूचर का स्टैंडर्ड साइज अलग है। सो सर मैं क्या करता हूं, मैं एक और चीज करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं क्वांटिटी से। क्वांटिटी क्या सर, मेरे पोर्टफोलियो का और फ्यूचर का स्टैंडर्ड साइज। सो सर यहां पे अपना पोर्टफोलियो कितने का है, अपना पोर्टफोलियो कितने का है सर, अपना पोर्टफोलियो 15 लाख का। मैं 15 लाख को एडजस्ट करूंगा फ्यूचर के स्टैंडर्ड साइज से। लेकिन सर इसके लिए डिपेंड करता है आप किसके फ्यूचर के साथ हेज कर रहे हो। अगर आप एक्सिस के फ्यूचर के साथ हेज कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, 60,000, और इंडेक्स के साथ हेज कर रहे हो तो 1,25,000। समझा क्या सर, ऐसा करोगे तो आप रियलाइज करो आप तीनों जगह पर रिस्क बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। तीनों जगह पे रिस्क है कितना, 1.1 या 1.5, उससे रिस्क कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो। कम कर रहा हूं सर। रिस्क कम करना मतलब मेरा अंडरलाइंग में पोजीशन लॉन्ग है, मैंने स्टॉक खरीद के रखा है। रिस्क कम करना है मतलब फ्यूचर में पोजीशन क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। तो सर फ्यूचर में पोजीशन शॉर्ट करूंगा तो तीनों तरफ क्वांटिटी जो भी आए आंसर किसमें आएगा, तीनों माइनस आएगा। माइनस माइनस मतलब सर ये जरा कैल्सियम में डालो, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, माइनस 25। हाँ सर अभी करो, 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 1.5, माइनस 18, और इधर 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 माइनस 0.5, यह आएगा आपको -6। सर ये क्या -25 -18, मैं लिख देता हूं, ये क्या है पता है, -25 कॉन्ट्रैक्ट्स, -18 कॉन्ट्रैक्ट, -6 कॉन्ट्रैक्ट। सर माइनस मतलब क्या, शॉर्ट, माइनस मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब लॉन्ग है तो शॉर्ट, लेकिन सर शॉर्ट भी हो सकता है अंडरलाइन में तो लॉन्ग। माइनस मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट पोजीशन क्यों ले रहे हो, रिस्क कम करने के लिए। अभी पता चला मैं पोर्टफोलियो टारगेट बीटा माइनस पोर्टफोलियो बीटा क्यों किया। अब सर रिस्क बढ़ाना रहता तो मतलब मेरा अंडरलाइन में लॉन्ग पोजिशन है, रिस्क बढ़ाना रहता तो फ्यूचर में क्या करता, लॉन्ग लेता या शॉर्ट। रिस्क बढ़ाना रहता तो लॉन्ग लेता, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज भी क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। सर अभी जरा देखो, अगर मैं टारगेट बीटा, अभी पोर्टफोलियो बीटा समझो 1 है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो समझो 15 लाख है और स्टॉक 60,000 का है, अब मेरे को रिस्क जीरो करना रहता तो आपने 25 कॉन्ट्रैक्ट बताया। अगर मैं बोलूं मेरे को रिस्क बढ़ाना है 1.5 करना है, तो सर आपका ये जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस मतलब सेम पोजिशन, माइनस मतलब ऑपोजिट, शॉर्ट नहीं है क्योंकि हर बार अंडरलाइन में लॉन्ग नहीं होगा, जो भी अंडरलाइन में उसका उल्टा। अब यहां पे प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं रिस्क बढ़ा रहा हूं, उससे क्या होगा सर, अंडरलाइन में भी लॉन्ग है फ्यूचर में भी लॉन्ग, जाएगा तो दोनों ऊपर, जाएगा तो दोनों नीचे। लेकिन सर अंडरलाइन में लॉन्ग है और फ्यूचर में शॉर्ट है, तो नीचे जाएगा तो अंडरलाइन नीचे जाएगा, फ्यूचर भी नीचे जाएगा, लेकिन अंडरलाइन में नुकसान फ्यूचर में भरपाई हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट है, उल्टा पोजीशन है। समझा क्या, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज का फॉर्मूला कैसे बनता है एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट साइज दो चीज का मिलन है, क्या, रिस्क का और क्वांटिटी का। रिस्क पोर्टफोलियो का रिस्क है कितना और उसको लेके कितना आना है, और क्वांटिटी आपका क्वांटिटी अलग हो सकता है और डेरिवेटिव का क्वांटिटी, क्योंकि उसमें लॉट होता है तो वो अलग हो सकता है, उसका एडजस्टमेंट। कि दोनों मिलके बनेगा कॉन्ट्रैक्ट साइज। सर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइज सही बन गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपका यह आउटकम लाने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती आउटकम लाने से। कैसे, अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में, इसको पहले नीचे लेके जाता हूं, इसको और नीचे लेके जाता हूं। सर व्हाट डू यू मीन बाय -25 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब -25 मतलब क्या, मैं लिखूंगा पोजीशन, आई राइट 25 कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना पड़ेगा मेरे को, शॉर्ट, किसका शॉर्ट करना पड़ेगा सर मेरे को,
एक्सिस के फ्यूचर्स का। अब सर जरा समझो, आपका डर क्या था? मार्केट गिर सकता है, कितने से? 10% से। समझो, अब आपके पास अंडरलाइंग में एक पोजीशन था और अभी डेरिवेटिव में फ्यूचर में एक पोजीशन है। आपके पास अंडरलाइंग में एक्सिस का क्या भाव पे पोजीशन था सर? 1500। और तभी आपने 1500 बाय करके रखा था, मैं लिखता हूं लॉन्ग। और उसके लिए अभी आप फ्यूचर में क्या कर रहे हो? शॉर्ट कर रहे हो। क्या भाव चल रहा है एक्सिस फ्यूचर का? 1200 बराबर। सर अभी अगर मार्केट नीचे गया तो आप अंडरलाइन में आपको कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव में आपको फायदा होगा क्योंकि आप शॉर्ट पोजीशन पे हो। अब मार्केट समझो 10% से गया, एक्सिस कितने से गिरेगा? एक्सिस का बीटा कितना है? 1.5। एक्सिस कितने से गिरेगा? 15%। सर 1500 पे 15% बोले तो कितना होता है? 1500 पे 225 का नुकसान, 225 का लॉस होगा। ऐसे एक्सिस के कितने शेयर थे सर अपने पास ऊपर? 1000। तो सर मेरे पास एक्सिस के 1000 शेयर थे, तो मेरे को एक्सिस पे अंडरलाइन में लॉस कितना हो सकता है सर? 225,000 का नुकसान हो सकता है सर। लेकिन 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 सामने एक्सिस का फ्यूचर भी तो गिरेगा। अगर एक्सिस गिरा है 15% से, तो एक्सिस का फ्यूचर कितने से गिरेगा? 15% से। एक्सिस का फ्यूचर अगर एक्सिस 15% से, तो उसका फ्यूचर भी 15% से गिरेगा। मैं एक्सिस क्यों बोला 15% से? क्योंकि बीटा 1.5 है, मार्केट 10% से, तो एक्सिस 15% से। अभी एक्सिस जितना गिरेगा उतना ही एक्सिस फ्यूचर, 15% 1200 पे कितना होता है सर? 180। लेकिन एक फ्यूचर कितने का है? लॉट में है। लॉट में कितना लॉट है सर? कितने का लॉट है? नहीं, कितने का लॉट है उसमें? 50 का लॉट। और सर ऐसे कितने लॉट लिए आपने? 25 लॉट लिए हैं सर। इसको डालोगे कैलसी में, आपको 225,000 ही मिलेगा। नेट गेन लॉस 0। एवरीवन समझा क्या? अब सर सेम कोशिश करते हैं इधर से। आप मेरे को बताओ पोजीशन क्या लिखूं मैं इधर? पोजीशन पोजीशन में क्या लिखूंगा इधर? में पोजीशन में लिखता हूं इधर ये वाले में, ऑल राइट। पोजीशन क्या करने वाला हो? 18 कॉन्ट्रैक्ट माइनस आया, क्या करोगे सर? पोजीशन आप 18 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने वाले हो। शॉर्ट किसका? इंडेक्स फ्यूचर का, क्योंकि ये आप इंडेक्स से हेज कर रहे थे बराबर। अब सर वापस से मैं वापस से वही दो चीज लिखता हूं। अंडरलाइन में तो आपको पता है ना, अंडरलाइन में आपका कितना गिरने का डर है? एक्सिस। मार्केट अगर 10% से गिरेगा तो एक्सिस में कितने का नुकसान होगा? 15 लाख का पोर्टफोलियो, 225,000 से नुकसान हो जाएगा आपका सर। तो सर आपने लॉन्ग वगैरह क्या रहेगा, मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूं, 225,000 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर अभी जो इंडेक्स है उसमें आपने क्या पोजीशन लिया सर? इंडेक्स फ्यूचर में जो फ्यूचर है अभी इंडेक्स का, उसमें आपने पोजीशन क्या लिया है? शॉर्ट। फिर लॉन्ग करोगे एवरीवन, उस पे कुछ गेन होगा क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा। कितने का लॉट है इंडेक्स का? इंडेक्स का देखो 25 का लॉट है। ऐसे कितने लॉट लिए आपने सर? ऐसे कितने लॉट लिए आपने? ऐसे आपने 18 लॉट लिए सर। दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट सही मारा है ना, तो इधर 225 ही आना चाहिए ताकि इधर का लॉस उधर से कवर हो, ताकि मेरा नेट गेन लॉस 0 आए। अब सर इंडेक्स क्या भाव पे चल रहा था जब आपने किया शॉर्ट? 5000, और लॉट 25 का है, जरा ध्यान देना। 5000 का था और लॉट कितने का था सर? 25 का। सर इंडेक्स कितने से गिरेगा? इंटरेस्टिंग चीज है, मार्केट कितने से गिरेगा सर? बोला है 10%, एक्सिस 15%, लेकिन इंडेक्स 10% से ही गिरेगा। तो सर यहाँ पे 5000 पे शॉर्ट किए थे, 10% गिरेगा, 4500 पे लॉन्ग करूंगा सर, मेरे को 500 का गेन होगा। करो 500 × 25 × 18 और लो मजा। क्या हो रहा है पता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट सही मारा है ना,
तो आउटकम जो चाहिए वही आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर सही मारा है तो आउटकम जो चाहिए ना वही आएगा। सर मेरे को ये आउटकम चाहिए था इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मारा, कॉन्ट्रैक्ट मार के ये आउटकम नहीं आया। समझा क्या? मेरे को ये आउटकम चाहिए था टारगेट बेटा, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट मारा। सो कैन यू हेल्प मी विद दिस विद दिस? अभी क्या, अभी पोजीशन क्या आ रहा है सर? अभी सर आप ना कैलकुलेट करने से पहले पोजीशन बताओ। अभी सर आप पूरा हेज कर रहे हो क्या? तो सर पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं आएगा। तो पूरा 18, पूरा हेज करने के लिए 18 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहता था इंडेक्स का। अभी पूरा हेज ही नहीं कर रहा तो कितना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? 6 कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए मेरे को। 6 कॉन्ट्रैक्ट से ही मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा इंडेक्स का फ्यूचर, क्योंकि मैं पूरा हेज ही नहीं कर रहा हूं। तो अगेन अंडरलाइंग में सर, अंडरलाइंग में मेरा लॉस कितने का होगा? 2,25,000 का लॉस होगा। लेकिन फ्यूचर से मेरे को गेन हो जाएगा सर। कितने का गेन होगा? पूरा नहीं होगा क्योंकि पूरा हेज नहीं कर रहा हूं। कितने का गेन होगा सर? कितने का गेन होगा? 75,000 का गेन होगा। अब सर अच्छे से समझना, आप पूरा हेजिंग नहीं कर रहे थे, वो आपका चॉइस था। क्यों पता है क्या? क्योंकि आपको डर लग रहा था मार्केट ऊपर चलेगा, तो पूरा हेज कर दूंगा तो फायदा भी तो नहीं होगा, इसके लिए आपने ऐसा किए रहेंगे शायद। तो सर फ्यूचर्स कितने कितने का था? आपने शॉर्ट किया था 5,000 पे, मार्केट गया 10% नीचे, तो आपने 4,500 पे लॉन्ग किया। आपको वापस से बराबर है 500 का गेन हुआ। एक लॉट कितने का है सर? एक लॉट 25 का है, वो भी बराबर। लेकिन आपने ऐसे कितने लॉट लिए थे सर? 6। इसके लिए 75,000 का फायदा, आपका लॉस 1,50,000 का ही, ये पहले से डिफाइंड था। एवरीवन इन द क्लास, सो वॉट इज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट टेलिंग यू? पूरे सम का जान किस में पता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज में। पूरे सम का जान किस में है सर? कॉन्ट्रैक्ट साइज में। अब सर मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट देगा और क्या नहीं देगा, जरा आप बता सकते हैं मेरे को? अगर मैं स्टॉक को उसी के फ्यूचर्स के साथ हेज कर रहा हूं तो कौन सा बीटा? पोर्टफोलियो बीटा क्या रहेगा? 1। और उसमें भी मैं फुल हेज कर रहा हूं तो टारगेट बीटा 0, इंस्टीट्यूट को देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं स्टॉक को इंडेक्स के फ्यूचर के साथ हेज कर रहा हूं तो टारगेट बीटा का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा। लेकिन उसमें भी फुल हेज कर रहा हूं तो टारगेट बीटा का जरूरत नहीं, पोर्टफोलियो बीटा का क्वेश्चन में रहेगा, टारगेट बीटा का जरूरत नहीं। हाँ लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि रिस्क मार्केट जितना करो तो भी टारगेट बीटा की जरूरत नहीं, क्योंकि रिस्क कितना करना है? 1। हाँ अब अगर और डिटेल में बोले रिस्क बढ़ाओ कम करो, तो ऐसा चीज उनको मेरे को क्वेश्चन में देना पड़े। सब इंस्टीट्यूट मेरे को क्या क्या दे सकता है? इंस्टीट्यूट मेरे को क्या क्या दे सकता है सर? देखो यहां पे ध्यान दो, पूरा सिनारियो में ना फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला मैं एक बार भी चेंज नहीं कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट साइज पे पूरा सम डिपेंडेंट है, पूरा सम कॉन्ट्रैक्ट साइज पे। कॉन्ट्रैक्ट साइज सही मारा ना तो जो ऑब्जेक्टिव चाहिए वही आना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज सही मारा तो जो ऑब्जेक्टिव चाहिए वही आना है। अब सर मैं या तो स्टॉक को स्टॉक के साथ हेज कर सकता हूं या तो इंडेक्स फ्यूचर के साथ। जब स्टॉक को स्टॉक के साथ कंप्लीट हेज करूं तो टारगेट बीटा 0, और क्योंकि सेम चीज को हेज कर रहा हूं तो पोर्टफोलियो बीटा 1। तो सर मैं हेज कर रहा हूं, रिस्क कम कर रहा हूं, क्या आ जाएगा सर? इक्वल एंड ऑपोजिट पोजिशन, मतलब लॉन्ग है तो शॉर्ट, शॉर्ट है तो लॉन्ग। जब जब रिस्क कम करोगे तो ऑपोजिट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज माइनस में आएगा। जब जब रिस्क बढ़ाओगे तो सेम पोजीशन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज प्लस में आएगा। जैसे कि सर इंडेक्स के साथ हेज करूंगा तो पोर्टफोलियो बीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और टारगेट बीटा समझो मैंने दिया कंप्लीट हेज मतलब 0 सर। तो तीनों केसेस में रिस्क में था कितना? 0.5, 1 और 2। रिस्क बढ़ा रहा हूं कम कर रहा हूं? टारगेट बीटा 0 कर रहा हूं तीनों केस में, टारगेट बीटा 0 कर रहा हूं, रिस्क कम कर रहा हूं। सर तीनों जगह पे मेरा आंसर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब क्या करूंगा? शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग है तो शॉर्ट, ऑपोजिट पोजीशन। अब सर टारगेट बीटा 1 मतलब मार्केट जितना रिस्क कर रहा हूं सर, लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो का बीटा ही 0.5 है और रिस्क मार्केट जितना कर रहा हूं 1, मतलब रिस्क बढ़ा रहा हूं कि कम कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं रिस्क। तो सर इधर लॉन्ग पोजीशन आएगा, लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, समझ रहा है क्या? क्योंकि प्लस में आंसर आएगा, प्लस मतलब सेम पोजीशन।
अंडरलाइंग में लॉन्ग है तो डेरिवेटिव में भी लॉन्ग, अंडरलाइंग में शॉर्ट है तो डेरिवेटिव में भी शॉर्ट। लेकिन सर अगर मेरा पोर्टफोलियो बीटा भी वन है और टारगेट बीटा भी वन है तो हेजिंग की जरूरत ही है क्या? नो हेजिंग रिक्वायर्ड। लेकिन लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो का बीटा टू है और टारगेट बीटा मार्केट जितना कर रहा हो तो रिस्क कम कर रहा हो, तो मेरे को ऑपोजिट पोजिशन लेना पड़ेगा। और अगर उन्होंने बोला बीटा टू कर दो, बीटा टू तो यहां पे तो टू ही था, यहां पे हेजिंग नहीं, लेकिन बाकी दोनों जगह पे रिस्क बढ़ा रहा हूं, तो मेरे को लॉन्ग पोजिशन। सर वो जो भी बोले बोलने दो, फॉर्मूला वही रहने वाला है, वो सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट देगा मेरे को, रिस्क बढ़ाने का, कम करने का, बढ़ाने का। लेकिन लेकिन क्या आपने नोटिस किया मेरे पास इसका आंसर सम में निकालने से पहले ही अपने पास इसका आंसर होना चाहिए? सर यहां पे मैं क्या कर रहा था, रिस्क रिस्क जीरो कर रहा था, कंप्लीट हेज, मतलब आउटकम क्या आना चाहिए, नो गेन नो लॉस। यहां पे भी मैं रिस्क क्या कर रहा था, जीरो, तो आउटकम क्या होना चाहिए, नो गेन लॉस। यहां पे मैं रिस्क मार्केट जितना कर रहा था और मैंने सम में अजम्पशन दिया आपको, समझो मार्केट 10% से गिरेगा, मतलब सर आपका पोर्टफोलियो भी 10% से गिरेगा, 1.5 लाख का नुकसान होगा। हेज नहीं करता तो पूरा 2,25,000, पूरा हेज करता तो जीरो। क्या पता चला पूरे सम का जान किसमें? कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज में वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर का दोनों अलग हो सकता है, तो क्वांटिटी भी एडजस्ट करना पड़े। अब सर 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 ये हर बार एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, कभी कभार ये 19-20 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। क्यों सर, क्यों पता है? क्योंकि आप जिसको जिससे हेज करने जा रहे हो जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट सेम आए, राउंड फिगर आवे। अभी सर मेरा पोर्टफोलियो 2,750 रुपए का और फ्यूचर का लॉट है 1,000 का, 2,750 का पोर्टफोलियो और फ्यूचर का लॉट है 1,000 का, मतलब या तो 2,000 लो या तो 3,000, तो सर मेरे को शायद ओवर हेज या अंडर हेज करना पड़े। अब ये मजबूरी में करना पड़े, क्यों? क्योंकि राउंड फिगर नहीं आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोला कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज 8.5 एग्जाम्पल या उससे ज्यादा आएगा तो आप क्या करोगे, 9 से कर दोगे। ये क्या कर रहे हो पता, आप ओवर हेज कर रहे हो, समझे क्या? 8.6 आया तो आप क्या करोगे, थोड़ा ज्यादा हेज कर दोगे, क्योंकि चॉइस ही नहीं आपके पास। और सर अगर 8.5 या उससे कम आया तो एग्जाम्पल आप क्या करोगे, 8 कॉन्ट्रैक्ट हेज करोगे, लेकिन फिर थोड़ा कम हेज कर रहे हो। सर अभी आपको जितना हेजिंग करना है कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट हेजिंग फ्री में नहीं होता, उसका कॉस्ट होता है। अपने को यहां पे कॉस्ट नहीं दिया है, बट जितना आप वॉल्यूम क्रिएट करो उतना एसटीटी ब्रोकरेज ये सब लगता है, तो क्लोजेस्ट फिगर को हेज करने का। जैसे कि ये वाले सम में सर, ये वाले सम में जो भी अपन ने किया यहां पे, समझो ये मेरा 15 लाख का पोर्टफोलियो था ना सर। अब समझो मैं अगर बोलता हूं 15,12,000 का पोर्टफोलियो रहता, तो जरा डालो कैलसी में 15,12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कितना रहा है, 25.2 आ रहा है, तो मैं किससे हेज करूंगा, 25 से ही, 0.2 अनहेज रहेगा तो सर एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, माइनर डिफरेंस रहेगा। सर ऐसे टाइम पे हम लोग क्लाइंट को क्या बोलते हैं पता, सर ये इतना अनहेज रहेगा, इतना डिफरेंस रहेगा, तो क्लाइंट बोलता है अरे यार एग्जैक्ट करना यार। मैं बोलूंगा सर फ्यूचर अवेलेबल ही नहीं है एग्जैक्ट, स्टैंडर्ड लॉट है। तो मैं क्लाइंट को बोलता सर एक और जुगाड़ है, एक काम करो ना 15,20,000 का पोर्टफोलियो ना 20,000 बेच देते, 20,000 का पोर्टफोलियो में माल बेच देते हैं, समझा क्या? या 40,000 का खरीद लेते हैं, 40,000 ले लूंगा तो 15,60,000 का हो जाएगा, समझे क्या? तो 26 कॉन्ट्रैक्ट में बैठ जाएगा। अब मैं एनएससी बीएससी को तो नहीं बोल सकता लॉट चेंज कर, लेकिन क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कम ज्यादा कर सकता हूं, ये हम लोग रियल लाइफ में करें। सो रियल लाइफ में भी हेजिंग का ये इश्यू नहीं होता है। हाँ सब में हो सकता है, एग्जैक्ट ना है तो आप क्लोजेस्ट राउंड फिगर ले लेने का, बट फिर एग्जैक्ट जीरो जीरो नहीं आएगा, समझा क्या एवरीवन? अब इसको प्रॉपरली प्रेजेंट वेजेंट करने का जरा देखो यहां पे थीम मैंने क्या दिया है। इफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन रियलाइज मार्केट फॉल्स बाय 10%, तो मैंने सबसे पहले पार्ट वन पे जरा देखना स्टॉक विथ स्टॉक फ्यूचर्स। अब ये सब चीज ना मेरे को देना पड़े, ये इंस्टीट्यूट नहीं देगा मेरे को पोर्टफोलियो बीटा और टारगेट बीटा, खास करके कब, जब स्टॉक को स्टॉक के फ्यूचर के साथ हेज कर रहा हूं और पूरा हेज कर रहा हूं,
समझा क्या? इंस्टीट्यूट देगा नहीं मेरे को ये सब के टाइम पे। तो सर पहले मैंने क्या लिखा है, आप भी एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे, पहले क्या लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट साइज निकाला है। एवरीवन, कॉन्ट्रैक्ट साइज माइनस आया मतलब क्या, द इन्वेस्टर ने, उसका अंडरलाइन में लॉन्ग था तो मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट 25 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 3 मंथ एक्सिस फ्यूचर्स, ऐसा इज्जत से लिखने का, सिर्फ ऐसा नहीं लिखने का शॉर्ट। क्या शॉर्ट? शॉर्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट? 25 कॉन्ट्रैक्ट। किसका? एक्सिस फ्यूचर्स का। और फिर मैंने आउटकम बताया, आउटकम क्या कि अगर एक्चुअली मार्केट में 10% गिरे तो ये आउटकम होगा, किसमें? अंडरलाइंग एसेट में और फ्यूचर्स में, एंड नेट गेन लॉस इज जीरो। समझा क्या पब्लिक? एवरीवन, सेम चीज मैंने पार्ट बी में भी सर सेम किया है, स्टॉक विद इंडेक्स फ्यूचर जब मैं कर रहा था सर तब कॉन्ट्रैक्ट साइज निकाला है सर, पोजिशन और स्ट्रेटेजी, और फिर अंडरलाइंग और फ्यूचर्स का आउटकम। आप भी तीन स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट साइज, पोजीशन, सर कॉन्ट्रैक्ट साइज ही बताएगा क्या पोजीशन लेने का, लॉन्ग शॉर्ट और कितना, और उसी पे आउटकम। आउटकम सर अगर आप दिमाग लगाओ तो आउटकम पहले से डिसाइडेड था, इसीलिए हेजिंग कर रहा था, हेजिंग से आउटकम नहीं आया, आउटकम ये चाहिए था टारगेट बीटा, इसके लिए हेजिंग कर रहा था। समझे क्या? जरा ट्राई करो पब्लिक ये वाला क्वेश्चन, तब अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने एक अजम्पशन दिया इसके अंदर, ये सब क्रिएट किया मैंने कि मार्केट फॉल्स बाय 10%, ठीक है। चलो स्टार्ट करो सर, ये तीन पार्ट में, तीन पार्ट मतलब पहले किसको किसके साथ हेज करोगे, एक्सिस को एक्सिस फ्यूचर के साथ, फिर एक्सिस को इंडेक्स के साथ, और तीसरे में भी एक्सिस को इंडेक्स के साथ, लेकिन एक में पूरा हेज कर रहे हो दूसरे में नहीं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के पोर्टफोलियो बीटा और टारगेट बीटा निकालना है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज, पोजिशन और आउटकम। ये जितना अच्छे से करोगे ना उतना अच्छे से ये सब वाले सम कर पाओगे। ये दिख रहे सब फाड़ू सम, 29, 30, 31, 32, ये तभी कर पाओगे जितना आप डिटेल में अच्छे से ये करो। टेक योर टाइम, नॉट एन इश्यू, बोलना। हाँ, सेकेंड और थर्ड सिचुएशन, हाँ, एक्सिस को इंडेक्स के साथ मैच करो। हाँ, यू ऑलरेडी हैव अ पोजीशन, राइट राइट, नाउ यू आर वरीड। नहीं नहीं नहीं, किसमें? योर स्टॉक एंड मार्केट इंडेक्स, मतलब योर क्वेश्चन इज दैट व्हाई एम आई हेजिंग विद मार्केट इंडेक्स। हाँ हाँ, यू आर अवर्स दैट द लॉस मे हैपन, राइट। हाँ, एग्जिस्टिंग लॉट अंडरलाइन का वो बेच नहीं रहा है, बेच नहीं रहा है, फ्यूचर में पोजीशन ले रहा है। बेचना रहता तो मैं फ्यूचर में क्यों जाता? हाँ 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 बराबर, तू एक्सिस को एक्सिस के फ्यूचर के साथ भी कर सकता है, निफ्टी के साथ भी। मैं निफ्टी में तभी ही जाओ अगर दोस्त एक्सिस का फ्यूचर ना अवेलेबल हो तो, और अगर अवेलेबल हो और उसमें लिक्विडिटी ना हो तो। इफ गिवन अ चॉइस आई ऑलवेज फर्स्ट गो विद स्टॉक फ्यूचर्स, व्हाई? बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट, and remember one thing, beta is based on past, so there is no guarantee of beta to be true in the future. second assumption, मैं क्या बोल रहा हूँ, axis और axis के future में exact same change होगा, ये मेरा assumption है इसके अंदर, दिख रहा है तू? In reality there is a friction, derivative और underlying में minor change होता है, temporary, इवन दो अंडरलाइन पे ही बेस्ड है डेरिवेटिव, बट माइनर चेंज होता है उसको। हम लोग है ना यहाँ पे नहीं, सीएफए लेवल में हम लोग को उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क मतलब क्या, जो तेरा अंडरलाइन और डेरिवेटिव में सेम चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज समथिंग वॉट वी कॉल एज बेसिस रिस्क। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इट शोज मी वॉट, अगर एक्सिस में 10% हो रहा है तो एक्सिस के फ्यूचर में 10 क्यों नहीं हो रहा है, कितना डिफरेंस है, सो उसका अलग से भी स्टडी। बट इन द लॉन्ग रन इट शुड मैच, इसके लिए वी ऑल्सो अज्यूम दैट दोनों में सेम चेंज होगा। इसलिए मेरा अजम्पशन क्या था, एक्सिस 15 गिर रहा है तो एक्सिस का फ्यूचर भी 15 गिर रहा है। इन रियल लाइफ, इन रियल मार्केट द चेंज इज नॉट एग्जैक्ट सेम, देयर इज माइनर फ्रिक्शन इन इट। अंदर वो बीटा है क्या, वो व्हाट डू यू मीन बाय बीटा, चेंज इन मार्केट या चेंज इन स्टॉक? स्टॉक किसकी वजह से? मार्केट।
अब जब मैं पोर्टफोलियो का बीटा बोलता हूं, मतलब किसका रिलेशन, मेरे पोर्टफोलियो में क्या चीज है, ये डिपेंड करता है किसको किसके साथ हेज कर रहा है। तो किसको किसके साथ हेज कर रहे हो तू, जो मेरे को डाउट पूछ रहा है उसमें किसका फ्यूचर, वही तो दोस्त, एक्सिस को एक्सिस के फ्यूचर के साथ, उन दोनों का रिलेशन क्या है, उन दोनों का रिलेशन क्या है, एक्सिस का एक्सिस के साथ रिलेशन क्या है, सेम वन, मतलब वन मतलब क्या, दोनों में चेंज सेम होगा, जो एक्सिस में चेंज होगा वही एक्सिस के फ्यूचर में चेंज होगा। अब एक्सिस में चेंज कितना होने वाला है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट अगर 10% से चेंज हुआ तो एक्सिस 15% से चेंज होगा, तो एक्सिस का फ्यूचर भी 15% से चेंज होगा। अब समझ, एक्सिस को इंडेक्स के साथ अपन देखते हैं, एक्सिस का और इंडेक्स फ्यूचर के साथ, एक्सिस का और इंडेक्स फ्यूचर का रिलेशन क्या होगा सर, वही होगा जो एक्सिस का मार्केट के साथ होगा, 1.5। अब मार्केट अगर 10% से चेंज होगा, मार्केट 10% से चेंज होगा तो एक्सिस 15 से, लेकिन इंडेक्स कितने से चेंज होगा, 10 से ही होगा। तो वो क्या बताता है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सिस और इंडेक्स फ्यूचर का रिलेशन, कि अगर एक्सिस में इतना चेंज हुआ तो फ्यूचर में कितना चेंज होगा। अभी एक्सिस क्यों चेंज होगा, क्योंकि मार्केट चेंज होगा, और मार्केट कितने से, मतलब इंडेक्स कितने से चेंज होगा, 10 से, तो एक्सिस 15 से चेंज होगा। सो अभी एक्सिस भी 15 से होगा, एक्सिस का फ्यूचर भी 15 से होगा, लेकिन एक्सिस 15 से हो रहा है तो इंडेक्स का फ्यूचर 15 से नहीं होगा, इंडेक्स का फ्यूचर 10% से ही चेंज होगा, समझा। हाँ सर, ये वाले क्वेश्चन में जो अभी आपने किया उसमें फ्यूचर का प्राइस रेडीमेड दिया था, लेकिन सर आपको फ्यूचर का प्राइस भी तो ढूंढने आता है ना, टीएफपी, एवरीवन द क्लास। तो अभी मैं अगर पूरे क्लास को बोलूं कि दो फॉर्मूला आपने अगर आज के दिन में किए, एक तो टीएफपी, टीएफपी व्हाट इज टीएफपी एवरीवन, एस प्लस सी माइनस डी, एंड अभी आपने किया क्या, कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या, टारगेट बीटा माइनस पोर्टफोलियो बीटा, मतलब बीटा है कितना, पोर्टफोलियो बीटा, और उसको कितना बनाना है, टारगेट बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज। एवरीवन, अब ये दोनों का उपयोग करके अपने को निकालने का है आगे के सब सम्स, एंड नाउ इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आपका पूरे दिन का नॉलेज का अभी यूज होगा ये चार सम में, और फिर फॉरेक्स विथ फ्यूचर्स वाले में। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 एवरीवन, राइट। हाँ मैडम पढ़ो ना जी, ने क्वेश्चन नंबर 29, ट्वेंटी नाइन, हाँ, करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट एट 1500 सर, S0 1500, हाँ आगे 1600, आपको 4 मंथ फ्यूचर का भाव दे दिया है 1600, मतलब मैं टाइम बोलूंगा सर 4/12, टाइम भी मिल गया, हाँ 15%, और डिविडेंड इज, मतलब कॉस्ट सर 15% पर एनम है, और डिविडेंड यील्ड बोला है कितना, 5% पर एनम। एवरीवन विद मी ऑन दिस, सर क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, टीएफपी निकाल सकते हो क्या, सर जरा निकालो पब्लिक टीएफपी, आगे पीछे देखे बगैर, पहले पूरे सम में देखो एक्सपोनेंशियल है क्या कहीं पे, तो कंपाउंडिंग बोला है क्या कुछ, तो सिंपल करना है, डालो इक्वेशन और टीएफपी बताओ हमका। हाँ तो आपने टीएफपी निकाला रहेगा यील्ड वाला, तो 1500 प्लस 1500 पे 0.15 माइनस 0.05 इंटू 4/12, एवरीवन इन द क्लास क्या, 1550, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन सर एक्चुअली में है कितना,
1600, एवरीवन एवरीवन, होना चाहिए था कितना 1550 है, कितना 1600। सर अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है? सर होना चाहिए 1550 है 1600, फ्यूचर इज ओवर वैल्यूड। समझा क्या? अभी करने का क्या आगे सब बताएगा, आर्बिट्रेज, स्पेक्युलेशन, हेजिंग, वो सब बताएगा। इतना तो पता चल गया फ्यूचर ओवर वैल्यूड है। समझा एवरीवन? आगे एफटीपी नहीं है, टीएफपी। तो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस जो अपन ने निकाला पार्ट नंबर ए। हाँ अभी पार्ट नंबर बी क्या पूछा है दोस्त? 1 month लेटर। सर कितने का था ये फ्यूचर, कितने टाइम का था पहले? पब्लिक सुनना, 4 महीने का फ्यूचर था। कितना टाइम बीत चुका? 1 महीना बीत चुका। सर अब ये फ्यूचर है 4 महीने का ही, लेकिन लाइफ कितना बचा? 3 महीने का। तो सर एट एनी टाइम अपने को उन्होंने वापस टीएफपी बोला है। टीएफपी कैसे निकालूंगा मैं? सर टीएफपी आप किधर खड़े हो अभी? 1 month के एंड पे खड़े हो। एस प्लस सी माइनस डी, एस प्लस सी माइनस डी ना टीएफपी। तो एस एस उस टाइम पे एस क्या चल रहा है? उन्होंने बोला है 1600 बोला है 1600। तो मैं क्या करूंगा, 1600 प्लस 1600 पे कितना सर कॉस्ट कितना है? 15 माइनस 0.5 इंटू 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 अभी कितना लाइफ बचा है इसके अंदर? 3/12। समझा क्या पब्लिक? उस दिन का स्पॉट और बचे हुए टाइम पीरियड का आर माइनस डी। एवरीवन राइट, निकालो क्या वैल्यू आएगा ये। सोलह सो चालीस। सर ये एक महीने बाद फ्यूचर का प्राइस। अब अगर अभी तक तुमने निकाला है सब डिटेल, तुम्हारे हिसाब से 1 महीने बाद ये जो 1600 था सर, ये कभी का प्राइस था? ये स्पॉट प्राइस था 1 महीने बाद का। तो 1 महीने बाद का स्पॉट प्राइस 1600 था, अभी 1 महीने बाद फ्यूचर का प्राइस कितना निकाले तुम? 1640। हाँ आगे पार्ट सी, गेन और लॉस इन द फ्यूचर्स पोजिशन। हाँ इफ शॉर्ट पोजिशन एट द बिगिनिंग। हाँ सर शॉर्ट पोजिशन एट द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में उसका पोजिशन क्या था? सर उन्होंने बोला शॉर्ट कभी स्टार्टिंग में, सर स्टार्टिंग में मतलब जीरो पॉइंट पे, और फिर उसने स्क्वेयर ऑफ क्या रहेगा? उन्होंने बोला गेन और लॉस मतलब स्क्वेयर ऑफ किया ना, कभी कभी आफ्टर 1 month का प्राइस निकालने बोला है। क्या आप 1 month में निकल सकते हो क्या 4 महीने के फ्यूचर में? हाँ कौन सा फ्यूचर? अमेरिकन फ्यूचर। सो मैडम क्वेश्चन पढ़ो, गेन और लॉस इन शॉर्ट फ्यूचर पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 contracts विद अ लॉट साइज ऑफ 50 एंड स्क्वेयर ऑफ द पोजिशन आफ्टर अ मंथ। तो सर आपने पहले शॉर्ट किया रहेगा कोई तो भाव पे, फिर लॉन्ग किया उस पर गेन और लॉस हुआ रहेगा। एक में कितने का लॉट बोला उन्होंने? 50। ऐसे कितने लॉट लिए रहेंगे उन्होंने बोला 5। तो उस पर टोटल गेन और लॉस निकालने बोला है मेरे को। समझा क्या पब्लिक? सर आपने क्या भाव पे शॉर्ट किया था जरा बताओ मेरे को, क्या भाव पे शॉर्ट किया रहेगा? 1550 आपका भाव है स्टार्टिंग का, आपने ओरिजिनल भाव पे शॉर्ट किया रहेगा 1600। 1550 मैडम आपने निकाला भाव है जिस पे आपने शॉर्ट किया रहेगा, आपने उस पे थोड़ी ना शॉर्ट किया रहेगा, उसको तो वो तो टीएफपी है, उसको लेके कंपेयर किया रहेगा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस के साथ 1600। तब जाके तो शॉर्ट किस पे किया, 1550 या 1600? 1550 तो मेरा प्राइस था मार्केट में, तभी कितने पे चल रहा था? 1600 पे। मैंने क्या किया रहेगा सर? मैंने 1600 पे शॉर्ट किया रहेगा। अब मैं लॉन्ग कब करूंगा मैडम? 1 month के बाद। 1 month के बाद क्या एक्चुअल प्राइस दिया क्या फ्यूचर का? नहीं, तो अपन टीएफपी लेंगे। मतलब सम क्या करवा रहा है पता है? तो आपको आपको प्रेडिक्ट करवा रहा है कि 1 month बाद ऐसा हो गया तो कितना गेन आएगा, वरना मेरे पास एक्चुअल रहना चाहिए रहता था।
सो अभी वन मंथ बाद मेरे पास क्या है टीएफपी, कितना हो सकता है टीएफपी 1640। तो सर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरा ₹40 का लॉस हो जाएगा। तो मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा सर, टोटल लॉस कितना, 10,000। सर लॉस हो गया, सर लॉस हो सकता है क्या, आर्बिट्रेज थोड़ी ना है और हेजिंग थोड़ी ना है, आर्बिट्रेज में गेन ही होगा, हेजिंग में नो गेन नो लॉस। लेकिन ये क्या है, स्पेक्यूलेशन है, कहीं पे आपको थोड़ी ना बोला कि अंडरलाइंग में इतना था, फ्यूचर में इतने से हेज करो, समझा क्या। ये भाई ने क्या किया, उसको स्टार्टिंग में लगा अंडर वैल्यूड है तो वो घुस गया, या ओवर वैल्यूड है तो उसे बेच दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं आगे जाके ऐसा ही हो मार्केट। आपको स्टार्टिंग में क्या दिखा सर, फ्यूचर ओवर वैल्यूड है, आपने शॉर्ट कर दिए, तो आगे जाके सर मार्केट बदल गया रहेगा तो आपका आउटकम डिफरेंट आ गया। वहां पे आपको लग रहा था मार्केट गिरेगा, ओवर वैल्यूड है, लेकिन गिरा नहीं सर, मार्केट और बढ़ गया, आपका नुकसान हो गया। क्यों, दिस इज स्पेक्यूलेशन, दिस इज नॉट हेजिंग और दिस इज नॉट आर्बिट्राज। समझा क्या मैडम, क्या डाउट है बोलो। हाँ बोलो, वो स्पेक्यूलेशन का बोलेंगे नहीं, थोड़ी ना बोलेंगे वो स्पेक्यूलेशन। क्यों, कहां से पता चला मेरे को, क्योंकि अंडरलाइन में कुछ दिया है कि आपको, कि अंडरलाइन में आपका इतना था अब हेज करो, या आर्बिट्रेज के लिए ऐसा बोला है कि इतना कैपिटल है अब आर्बिट्रेज करो। लॉस आ ही नहीं सकता ना अगर आर्बिट्रेज होता तो, और हेजिंग होता तो नो गेन नो लॉस होता। क्यों, स्टार्टिंग में उसी पर तुम डिसीजन लिए मैडम, अभी वो तो उन्होंने रेडीमेड दे दिया कि हमने शॉर्ट किया है, लेकिन अगर नहीं देते तो भी आप क्या करते स्टार्टिंग में, जरा देखो आपके हिसाब से टीएफपी कितना आता है स्टार्टिंग का 1550 और मार्केट में कितना है 1600, तो भी आप क्या करते हैं, शॉर्ट ही करते हैं। इसने भी वही किया, उसने गलत नहीं किया, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसको गेन ही आए, बिकॉज इज नॉट डूइंग आर्बिट्रेज और हेजिंग, ये सिंपली टेकन जस्ट फ्यूचर्स पोजिशन एंड दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट अंडरलाइंग। हैड आई टेकन अंडरलाइंग एंड देन उसका काउंटर पोजिशन इन फ्यूचर्स टू प्रोटेक्ट द रिस्क, देन इट वॉज अ डिफरेंट सिनेरियो। हाँ बोलो, दिस इज द एक्चुअल लॉस मैडम, व्हेन आई डू स्क्वायर ऑफ आई हैव टू पे दिस मच, सो दिस इज द एक्चुअल लॉस इफ इट हैपेंस, सो आई एम एस्टिमेटिंग, बट इफ इट डज हैपन आई हैव टू पे 10,000। अगर मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि अगर ये एक्चुअल रहने के लिए एक्चुअल फ्यूचर प्राइस देना चाहिए रहता था, सो नहीं दिया है, सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से यू, दे आर ट्राइंग टू से दैट व्हाट इफ दिस हैपेंस, आई डोंट से नोशनल मैडम, आई से एक्सपेक्टेड, देयर इज अ डिफरेंस, नोशनल लॉस भी आएगा आगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, नोशनल मतलब अनरियलाइज्ड, सो अनरियलाइज्ड मतलब मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसा हुआ और मैंने स्क्वायर ऑफ किया, तो जब अपन मार्क टू मार्केट करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा अनरियलाइज्ड होता है उसको नोशनल अपन बोलते हैं। हाँ मतलब क्या पता है ये एक्चुअली में ऐसा हो गया बट मैंने बेचा नहीं तो वो नोशनल है, मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो नोशनल है, दिस इज नॉट नोशनल, दिस इज एक्सपेक्टेड। हाँ राइट राइट, हाँ हेजिंग करते मतलब हेजिंग क्या स्क्वायर ऑफ करते वक्त ना, हाँ वन मंथ हो गया बराबर, ये ना मैंने टाइमलाइन में लगा ना जीरो से लेके वन मंथ। अब दोस्त ये आज भाव में फर्क है, क्यों फर्क है, क्योंकि आज का स्पॉट का भाव है और वो भाव क्या है 4 महीने का फ्यूचर का जिसमें 3 महीना बाकी है, ये जब है ना ये इधर आएगा ना 4 महीने पे तो ही दोनों सेम होना चाहिए वरना नहीं, उसके एक दिन पहले भी फर्क हो सकता है किधर, हाँ सॉरी एफटी, ठीक है एफटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। हाँ पोजीशन तेरे को बोलना रहता करने तो भी तू शॉर्ट ही लेता, अभी तू सब में बाद में तेरे को रियलाइज होता ना, मतलब रियलिटी में तो बाद में पता चलता मार्केट किधर जा रहा है मतलब
तेरे को थोड़ी आज मिलेगा कि आज का फ्यूचर का भाव क्या है और एक महीने के बाद फ्यूचर का भाव क्या है। एंटर होते वक्त तो तेरे पास कौन सा भाव रहेगा? S0 और F0 ही रहेगा। तो आज तो डिसीजन लेगा तू कि मैं फ्यूचर में घुसू या नहीं घुसू, और कैसे कंपेयर करेगा तेरा फ्यूचर और एक्चुअल फ्यूचर। अब तू फ्यूचर में घुस गया, समझना, आज आज तेरे पास ये प्राइस है, एक्चुअल 1600 है और तेरे हिसाब से 1550, आज जीरो मंथ पे खड़ा है, क्या करेगा? शॉर्ट करेगा कि नहीं करेगा? शॉर्ट करेगा। अब एक महीने बाद आउटकम क्या होगा ये तेरे को मेरे को क्या पता? वो तो जब तू स्क्वेयर ऑफ करेगा उस दिन का फ्यूचर का भाव मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए ये सब में ये हो? हाँ, वरना मैं क्या बोला बार बार, वही बोल रहा हूं मैं कि मेरे पास एक्चुअल फ्यूचर का भाव रहता तो मैं टीएफपी नहीं करता, मैं टीएफपी नहीं करता, मैं एक्चुअल फ्यूचर का भाव ही उठा ले, फिर सर प्लस माइनस का सम रह जाता। वो आपके पास से मेहनत करवा रहे कि टीएफपी अलग अलग पॉइंट पे निकालो और बताओ क्या आउटकम हो, समझा क्या एवरीवन? ऐसा सम टू सम सिचुएशन चेंज होगा बट करना वही होगा, या तो टीएफपी निकालना रहेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट साइज या तो अभी धीरे धीरे करके दोनों। एवरीवन राइट? चलो यू हैव ट्राइड दिस सम, नहीं तो लिख के करो एवरीवन ये सब सम्स, दोनों बार टीएफपी निकालो और पोजीशन उन्होंने बोला है शॉर्ट, उस पर आउटकम। जिन्होंने नहीं कैलकुलेट किया है प्लीज डू दिस सम, क्योंकि आगे के भी सब सम लिख के ही करना है। बोलो ना। अच्छा हाँ, लाएगा लाएगा वो अपना पायलट वापस आएगा। हाँ, उनका एक टीम है बैट, बॉर्डर एक्शन फोर्स, उनका जो टीम है ना ये सबसे डेंजरस टीम है पाकिस्तान का, ये बॉर्डर के पास ही रहता है, और ये वाला टीम है ना इसका दे आर नोन फॉर बिहेडिंग पीपल, सो इनका सबसे डेंजरस टीम है ये पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान रेंजर्स का। अब सामने ना इंडिया का ऐसा जो टीम है जिससे फटता है टेररिस्ट का कश्मीर में, वो है आरआर, राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स का स्लोगन है एक गोली एक दुश्मन, देयर मोटो इज एक्यूरेसी। सो जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट है ना वो लोग बहुत डरते हैं वो इससे, राष्ट्रीय राइफल्स से। इसीलिए लास्ट टाइम उन्होंने वो पता है औरंगजेब करके टेररिस्ट था वो मारा था, इंडिया कश्मीरी था, उसको वो लोग किडनैप करके लेकर गए थे, तो उनके हिटलिस्ट पे वो जो ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है ना उनके हिटलिस्ट पे सब राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर्स है कि इसको उठाओ ऐसा। तो राष्ट्रीय राइफल्स से बहुत डरते वो लोग। राष्ट्रीय राइफल्स इज काउंटर इंसर्जेंसी इन कश्मीर, सो दे डोंट वरी अबाउट BSF एज मच एज दे वरी अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स, एंड वी वरी अबाउट दिस देयर बॉर्डर एक्शन फोर्स टीम, दे आर वेरी डेंजरस। हाँ, तो वो ये टीम करता है बैट, सो ये पाकिस्तान का खास टीम है, वो ये लोग बॉर्डर के आसपास से पिकअप करते हैं इंडियन आर्मी जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको, उनका काम ही है, एंड दे ब्रूटली किल। सो वो पाकिस्तान के वो टीम से लोगों को डर लगता है जैसे इंडियन वालों को, वैसे उनको इंडिया के राष्ट्रीय राइफल से डर लगता है। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर अगर कश्मीर में कोई करता है तो राष्ट्रीय राइफल्स, और सबसे ज़्यादा लोग भी उनके जनरली मरते हैं। CRPF का जो मरा है, CRPF वाले तो क्या है, दे आर फॉर प्रोटेक्शन मोर, दे आर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, दे आर नॉट काउंटर अट्रैक्टिव। हाँ, तो वो मतलब उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाला, इधर राष्ट्रीय राइफल्स पे हाथ नहीं डाल सकते हो ऐसा। सो ऐसा सब चीज़ है। ये पाकिस्तान का जो ये जो पाकिस्तान रेंजर्स भी है ना, दे आर वेरी फेमस, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव, उनका रेंजर्स का टीम खतरनाक टीम है उनका। बट ठीक है, इंडिया के सामने कुछ नहीं, इंडिया इज हाईली ट्रेंड एंड मोटिवेटेड। आई एम नॉट बीइंग जस्ट नेशनलिस्ट बट आई एम सेइंग दैट आर मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विथ अदर, मतलब अपना जो कैंप्स है ना, कैंप्स सियाचिन वाला और
असम में, अरुणाचल प्रदेश में अपना कैंप है जंगल का, उसके ट्रेनिंग के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल सेंड देयर आर्मी ट्रूप्स दैट फियर्स आर ट्रेनिंग एस। ऑफकोर्स नो वन कैन बीट अमेरिकन कमांडोज का, मरीन्स का ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग के सामने तो किसी का ट्रेनिंग नहीं है, बट आर ट्रेनिंग इज ऑल्सो इक्वल। सो वी हैव दैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे दुनिया भर से लोग, दुनिया भर के मरीन्स आते हैं इंडिया में ट्रेनिंग करने के लिए। वो अरुणाचल प्रदेश है, असम में किधर है किसका? मैं तो अमेरिकन मरीन्स पे मूवी देखना है तो अमेरिकन स्नाइपर देखो, हॉट लॉकर देखो, जीरो डार्क 30 देखो, तुमको अमेरिका पे एकदम अमेरिका पे प्राउड आ जाएगा कि क्या अमेरिका है यार। अमेरिकन स्नाइपर खतरनाक, तो रियल स्टोरी है क्रिस इवांस का। वो तो सब फेक है, बट ये तो सब रियल रियल स्टोरीज पे, मैं वो रियल स्टोरीज की बात कर रहा हूँ। जीरो डार्क 30 हो, हॉट लॉकर हो, या अमेरिकन स्नाइपर, खतरनाक मूवीज, फ्रेश हो जाए आदमी, अमेरिकन आर्मी का तुमको पावर समझे। चलो एवरीवन, मैं आपको टाइम मिलेगा तो बताऊंगा कि इंडिया के संसद भवन पे अटैक क्यों हुआ था और उसका कारण कुछ और ही था। ऐसा टाइम वाइम मिले तो, हाँ नहीं मैं बताऊंगा, द प्लान वॉज समथिंग एल्स। चलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, ऐसे मैं हर सम में बोलूंगा अभी क्योंकि सब ही ऐसे है सब। एवरीवन क्वेश्चन नंबर 30, शबी खान पढ़ो ना, जागते रहना भाई ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में फंस गए ना बीच में, इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं पढ़े तो गए। हाँ ये एक सेकेंड, सॉरी, मदद क्या करेगा पता है क्वेश्चन में, जो थियोरी पढ़ा है वो, ये भी बता देता हूँ हिंट, वो तो उड़ गया दिमाग से। हाँ पढ़ो, बीएससी इंडेक्स का वैल्यू मैडम ने बताया कितना है, 5000। ओके, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10,10,000। ओके हाँ, मतलब आर 9% पर एनम इंडेक्स है सर, इंडेक्स पे तो यील्ड ही होगा, फेस वैल्यू तो होता ही नहीं। डिविडेंड यील्ड कितना, 6% पर एनम। ओके हाँ, बीटा पोर्टफोलियो 1.5। सर किसका रिलेशन है सर ये दोस्त अहमद, किसका रिलेशन है ये पोर्टफोलियो बीटा, मतलब? वेरी गुड, पोर्टफोलियो का इंडेक्स के साथ या इंडेक्स के फ्यूचर के साथ, एक ही चीज है ना, समझा क्या? 1.5 ये वाले केस में आप अपने पोर्टफोलियो का तो सर कोई फ्यूचर नहीं होता है, तो पोर्टफोलियो को किससे हेज करोगे, इंडेक्स के फ्यूचर के साथ हेज करोगे, तो पोर्टफोलियो बीटा दिया हुआ है। आप अगर पूरा हेज कर रहे हो तो टारगेट बीटा जीरो, वो उनको देने की जरूरत नहीं है। हाँ आगे, वी अज्यूम दैट द, क्या बोला है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बीएससी इंडेक्स विथ 4 मंथ मच्योरिटी, मतलब सर वो जो फ्यूचर्स है उसका मच्योरिटी कितना है, फ्यूचर्स का मच्योरिटी 4 मंथ्स है, और आई कैन से 4/12। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 4 महीने का फ्यूचर यूज कर रहे हो, क्या चीज के लिए, हेज करने के लिए, पोर्टफोलियो कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, है ऐसा कर सकते हो क्या 1 महीने के एंड से? सुनो मेरी बात, आपको हेजिंग कब तक करना है और फ्यूचर कितने का है, दो अलग चीज है। अब समझो सर, अभी समझो मेरे पास फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है 3 महीने के, 6 महीने के, और सॉरी मैं लिख देता हूँ, 3 महीने का, 4 महीने का और 6 महीने का, मेरे पास कितने फ्यूचर्स अवेलेबल है सर, 3 कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरे को हेजिंग करना है 3 महीने के लिए, मैं कौन से वाले फ्यूचर में जाऊं, कौन से वाले मैं जा सकता हूं सर, मैं तीनों में जा सकता हूं, तीनों में जा सकता हूं, पहले वाले में स्क्वायर ऑफ कब करूंगा मैच्योरिटी पे, दूसरे वाले में 1 महीने पहले, तीसरे वाले में 3 महीने पहले,
समझा क्या? मैं जा सकता हूँ किसी में भी। सर तो ये भाई क्या कर रहा है, इसको हेजिंग कब तक करने का है? 3 महीने के लिए। तो सर 3 महीने और उसके ऊपर के कोई भी फ्यूचर में जा सकता है। ये कौन से फ्यूचर में जा रहा है? 4 महीने। 4 महीने सर फ्यूचर का जान कितना है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ कितने का है? 4 महीने का है। आपको जब भी निकलना है आप निकल सकते हो, 1 सेकंड बाद भी निकल सकते हो अमेरिकन फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर कितने का है? 4 महीने का ही है। अब मजा आएगा आगे। क्या है डिलीवरी 50 टाइम्स इंडेक्स सर? ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं सर? लॉट साइज 50 का लॉट है। एक फ्यूचर में कितने का डिलीवरी मिलेगा? 50 का। आगे। एवरीवन, सबसे पहला चीज प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मतलब क्या बोला है पूरे क्लास को? टीएफपी सर, टीएफपी का फॉर्मूला एस प्लस सी माइनस डी। सर क्या क्या है इंफॉर्मेशन जरा बताओ मेरे को, मेरे को बताओ। एस 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 5000 प्लस कोई बोला सर? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो एक्सपोनेंशियल वगैरह है क्या, कंपाउंडिंग वगैरह है क्या? नहीं तो सिंपल है, तो सिंपल में मैं सर क्या करूंगा, 5000 पे 0.09 माइनस 0.06 इंटू क्या करूं सर मैं, इंटू क्या टाइम कितना लू मैं, इंटू मैं क्या लूंगा फ्यूचर का लाइफ कितने का है? 4 महीने का है, 4/12। तुम 1 महीने बाद निकलो, 1 दिन बाद निकलो, 1 सेकंड बाद निकलो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम। लेकिन फ्यूचर का लाइफ 4 महीने का है। आई रिपीट, वेन एवर यू वॉन्ट एग्जिट यू कैन एग्जिट, बट द फ्यूचर हैज लाइफ ऑफ 4 मंथ्स। दैट्स द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। समझा क्या एवरीवन इन द क्लास? मैडम समझा क्या? निकालो अभी फ्यूचर प्राइस, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। 5000 बट पहले डिफरेंस इनटू 4/12। हाँ कितना? 5050। ओके हाँ आगे बी पार्ट। अभी उन्होंने बोल दिया सामने से क्या, शॉर्ट फ्यूचर्स मतलब सर आपने शॉर्ट किया रहेगा। तो सर 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 आप मैच्योरिटी पे क्या करोगे? लॉन्ग करोगे? एवरीवन इन द क्लास राइट, शॉर्ट किया था तो लॉन्ग करोगे। ऐसा एक में कितने का लॉट है? उन्होंने लॉट साइज दिया ऊपर 50। हाँ आगे मैडम पढ़ो आगे क्या है बोला है। इन 3 मंथ्स इंडेक्स का दिया, इंडेक्स कितना हो जाएगा सर? 4500। पब्लिक सुनना मेरी बात, सर आपने क्या भाव पे शॉर्ट किया, क्या भाव पे शॉर्ट किया आपने बताओ? 5050 पे। अब लॉन्ग कितने पे करोगे सर? पब्लिक लॉन्ग कब करोगे? 3 महीने बाद। कितने पे लॉन्ग करोगे? 4000। एवरी इन द क्लास 500। सर वो 4500 किसका प्राइस है, इंडेक्स का या इंडेक्स के फ्यूचर का? इंडेक्स का या इंडेक्स के फ्यूचर का? क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500, इंडेक्स फ्यूचर नहीं। इधर मैक्सिमम स्टूडेंट इधर फंसते हैं। सर इंडेक्स 4500, इंडेक्स फ्यूचर नहीं। कभी की बात कर रहे 3 महीने बाद, मतलब सर ये क्या दिया 3 महीने बाद का ये 4500 स्पॉट। वेरी गुड। तो सर आपको वापस से निकालना पड़े टीएफपी। अब टीएफपी का इंफॉर्मेशन मेरे को दो अच्छे से। क्या लिखूंगा? स्पॉट 4500 प्लस 4500 पे यील्ड कितना सर? 0.09 माइनस 0.06 इंटू, बताएगा कोई मेरे को? इंटू 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 एवरीवन इन द क्लास इंटू क्या लिखूंगा मैं? 1/12 जितना लाइफ बचा है वो। अगर सर ये 3 महीने का फ्यूचर रहता तो स्पॉट और फ्यूचर सेम रहता, ये 4 महीने का फ्यूचर है, 3 महीने बाद बाहु पूछा है, 1 महीने का जान बचा है। अमेजिंग सम्स एवरीवन, अभी भी खत्म नहीं हुआ सम। हाँ करो टीएफपी निकालो। क्या 4511 इस पे क्या करूंगा मैं? 4511.25 पे लॉन्ग करूंगा। क्या हो जाएगा सर? गेन हो जाएगा। कितने का गेन हो जाएगा निकालो जरा।
538.75। पब्लिक टोटल गेन निकालो, टोटल गेन निकालो। कैसे निकालोगे सर, कॉन्ट्रैक्ट साइज तो है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइज है क्या? कॉन्ट्रैक्ट साइज तो है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालने का जरूरत पड़ेगा क्या? जरा सब में देखो अच्छे से अच्छे से अच्छे से। वी अज्यूम दैट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी इंडेक्स विथ फोर मैच्योरिटीज यूज्ड टू हेज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। सर कुछ बोला है क्या कितना हेज? कुछ बोला है क्या कितना हेज? लेकिन आपको पता है सर, आपको पता है कुछ नहीं बोला तो पूरा हेज, मतलब टारगेट बीटा जीरो और पोर्टफोलियो बीटा किसको हेज कर रहे हो? पोर्टफोलियो के इंडेक्स के साथ, वो दिया है 1.5। तो सर निकालना पड़ेगा भले ना बोला हो कॉन्ट्रैक्ट साइज। समझा क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या करते हैं अपन? टारगेट बीटा माइनस पोर्टफोलियो बीटा, जीरो माइनस 1.5 इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है क्या आपके पास ऊपर? हाँ, 10,10,000। और सर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये आपने कब लिया रहेगा कॉन्ट्रैक्ट? स्टार्ट में, तभी फ्यूचर का भाव क्या था? 5050। 5000 इंडेक्स का भाव था दोस्त, 5050 इंटू लॉट साइज कितने का? 50। समझे क्या एवरीवन? पब्लिक उन्होंने ये सिंपल सा चीज पूछा, उसके लिए टीएफपी भी करना पड़ा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज भी निकालना पड़ा। पूरा सम आपको एक साथ लिख के करना है, अभी ध्यान दो, मजा आता है इसमें। स्टूडेंट्स होता है अरे 4500 ले ले गेम खत्म, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट साइज में अटक जाता। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको निकालना पड़े। किस पे सर कभी हेज करोगे? ये सब कभी कर रहे हो? स्टार्ट में, स्टार्ट में किए रहेंगे ना ये, तभी फ्यूचर का भाव क्या निकाला था सर आपने? 5050। समझ रहे हो क्या सर? ये बीएससी इंडेक्स मतलब स्पॉट का भाव है, फ्यूचर का भाव आपने निकाला था 5050। बोल बोल बोल, टीएफपी पे क्या वापस क्या लिया टीएफपी पे? कॉन्ट्रैक्ट साइज तो मैं जब तभी मारा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 5050 का, एक फ्यूचर और 50 का लॉट था जब मैं कॉन्ट्रैक्ट मारा स्टार्टिंग में। 5000 इंडेक्स था, इंडेक्स फ्यूचर नहीं। निफ्टी अलग होता है, निफ्टी फ्यूचर अलग होता है, वही तुम वापस गलती कर दिए। इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी अलग, इंडेक्स फ्यूचर अलग। तुम हेजिंग किस में कर रहे हो, इंडेक्स में या इंडेक्स फ्यूचर में? तो वो तो इंडेक्स का भाव है 5000। जरा देखो क्वेश्चन में पहला चीज मैडम ने क्या पढ़ा, बीएससी इंडेक्स बोला है 5000, बीएससी इंडेक्स फ्यूचर थोड़ी बोला है। वही तो तुमने लिया, उसी को तो तुमने स्पॉट माना दोस्त। समझे क्या? माइनर डिफरेंस, एक बार नहीं गलती किया तो दूसरी बार स्टूडेंट गलती कर सकता है। तो किस पे हेजिंग किया मैंने, इंडेक्स फ्यूचर पे या इंडेक्स पे? इंडेक्स पे हेज किया है, इंडेक्स फ्यूचर पे? इंडेक्स फ्यूचर पे। इंडेक्स का भाव 5000 था, इंडेक्स फ्यूचर का निकाला था मैंने 5050। समझा क्या? वो लेना जरूरी। निकालो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना आता है, जरा देखो क्या आता है। 6, मतलब वो माइनस 6 आया रहेगा, तो उसको मैं लिखूंगा कैसे? मैं लिखता हूं पोजिशन, मैं पोजिशन लिखता हूं। जरा आप बता सकते हो मेरे को पोजिशन क्या लिखूंगा मैं? शॉर्ट, अंडरलाइन में लॉन्ग पोजिशन था ना, पोर्टफोलियो था ना तुम्हारे पास 10,10,000 का था, मतलब लॉन्ग था। तो क्या लिखूंगा मैं? शॉर्ट 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ किसका फ्यूचर सर? इंडेक्स फ्यूचर्स। तब जाके इनटू 6 करूंगा ना, तब जाके आंसर आएगा टोटल लॉस का, व्हाटएवर गेन लॉस जो भी है। समझे क्या पब्लिक एवरीवन? कितना निकालो अभी? 161625 टोटल गेन। What was the most unique thing about the sum? पहले आपके पास से फ्यूचर प्राइस निकलवाया, फिर आपको बोला गेन और लॉस निकालो फ्यूचर में, लेकिन क्या मिसिंग था? आपको लग रहा था कवर करने का प्राइस दिया है लॉन्ग का, लेकिन वो इंडेक्स का था, तो आपने टीएफपी निकाला। समझा क्या? आपके पास इंडेक्स टर्न्स आउट टू भी दिया था ना 4500, तो आपने तभी फ्यूचर प्राइस निकाला कि 4500 इंडेक्स हो गया तो टीएफपी, क्योंकि सर आपने फ्यूचर में शॉर्ट किया है तो फ्यूचर में ही लॉन्ग करोगे ना।
तो मेरे को तभी टीएफई से फ्यूचर का प्राइस निकालना पड़ा, फिर मैं आगे करने का लॉट साइज तो दिया था लेकिन कितना कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे को ढूंढना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज से। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज से पहले मैंने ढूंढा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज, और फिर मुझे पता चला अच्छा 6 कॉन्ट्रैक्ट पे करने का क्या, तो ये सब 6 कॉन्ट्रैक्ट पे, तब जाके मेरा आंसर ऐसा आता है फ्यूचर्स का सम जब स्टूडेंट का वाट लगाना रहता है तब। क्यों मैडम, ये अंडरलाइन में तो गेन होगा ना, और अंडरलाइन में लॉस होगा तो फ्यूचर में तो गेन होगा ना, ये अंडरलाइन का बात ही नहीं अपने को कुछ बोला, अपने को सिर्फ फ्यूचर का पूछा उन्होंने। हेजिंग में क्या होता है, अंडरलाइन में लॉस होगा लेकिन डेरिवेटिव में गेन होगा, अभी अंडरलाइन का कुछ बोला नहीं उन्होंने, कर रहे उन्होंने बोला गेन और लॉस इन, पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है सेकेंड वाले क्वेश्चन में, गेन और लॉस इन फ्यूचर्स पोजिशन बोला, इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी दिस, समझे क्या। So, उन्होंने भी फ्यूचर्स पोजीशन का बोला, अपन ने फ्यूचर्स पोजीशन का निकाला। अब अगर अंडरलाइन में रहता तो भी अंडरलाइन में कितना होता मैडम, इतने का लॉस होता, इसीलिए इधर इतने का गेन, समझे क्या एवरीवन। वेरी 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 इंटरेस्टिंग सम, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच, जिनका भी बाकी है पूरा स्टार्ट से एंड करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, मैं सब सम लिख के कराने वाला हूं अभी, और ये सब सम लिख के ही करने का। क्या जीरो लिया मैडम मैंने, बीटा कौन सा बीटा जीरो लिया मैंने, कौन सा टारगेट बीटा, टारगेट बीटा जीरो मतलब कंप्लीट हेज, क्या उन्होंने बोला है क्या हेज मार्केट जितना करो या कम करो या ज्यादा, नहीं तो नहीं भाई, डिफॉल्ट मतलब हेजिंग मतलब क्या, रिस्क जीरो, इफ दे पुट एनी इंफॉर्मेशन देन आई एडजस्ट, इफ दे डोंट पुट इट जीरो, अदरवाइज मैं क्या लू, दे हैव टू एवरीवन दे हैव टू यूज स्पेसिफिक वर्ड्स, हेज बोला मतलब टारगेट बीटा जीरो, वही तो करा है मैंने, मार्केट हेज बोला तो टारगेट बीटा वन, मार्केट जितना रिस्क करो, और अदरवाइज कुछ तो दे हैव टू मेंशन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज मैडम अपना पूरा सिलेबस हेजिंग मतलब क्या पता है क्या, रिस्क जीरो, लेकिन रिस्क इज नॉट ऑलवेज टेकन जीरो, वी रिमूव रिस्क जीरो बट रिस्क इज नॉट ऑलवेज टेकन जीरो, सो यू मे गेट सम्स वेर इन दे विल मेक यू इंक्रीज रिस्क, तब वो स्पेसिफिकली बोलेंगे टारगेट बीटा 0.5 करो, 0.8 करो, 0.7 करो, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, अंटिल एंड अनलेस दे हैव नॉट मेंशन इट इज रिस्क इज जीरो, बराबर। हाँ तो आप 3 मंथ के बाद स्क्वायर ऑफ कर दो, तो अपन ने 3 मंथ के बाद क्या टीएफपी निकाला मैडम, क्या मैडम 4 मंथ वाला है, ये 4 मंथ वाला है, वो फ्यूचर 4 मंथ का है, आप निकल तो कभी भी सकते हो ना, फ्यूचर 4 मंथ का भाव है लेकिन मैं निकल तो कभी भी सकता हूं, 3 महीने बाद भी निकल सकता हूं, 3 महीने बाद क्या, मैं आज ही फ्यूचर शॉर्ट करके 1 सेकंड बाद भी एग्जिट मार सकता हूं, 4 मंथ वाले में, 1 मंथ वाले में, 6 मंथ वाले में, जो भी रहे। अब इंडिया में वैसे 3 मंथ के ही फ्यूचर रहते, बट ऐसा मैं निकलू कभी भी, मैं मैच्योरिटी पे निकलता तो इंडेक्स और इसका भाव सेम रहता, मैच्योरिटी हुआ नहीं अभी 1 महीना बाकी है, उधर ही तो फंसा दिया पब्लिक को, बहुत बड़ा फर्क है इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500 और इंडेक्स फ्यूचर टर्न्स आउट टू बी, अभी अपना एक साथ सब सोचोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, शॉर्ट नहीं दिया रहता तो भी तू क्या करता दोस्त, शॉर्ट नहीं दिया रहता तो भी तुम क्या करते, दो चीज, एक तो रिस्क बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, तो अंडरलाइन में क्या पोजीशन है लॉन्ग, तो वही मैं तुमको क्या पढ़ा है, फ्यूचर में शॉर्ट ही करना पड़े, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट साइज में माइनस आ रहा है मतलब ऑपोजिट, तुम्हारे पास सब वेरिफिकेशन है, और मैथमेटिक्स करने के पहले लॉजिक लगाओ, रिस्क कम कर रहा हो तो काउंटर पोजीशन ही लेना पड़े, मैं उस भरोसे नहीं जाऊं कि आंसर माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, रिस्क कम कर रहा हो अपोजिट पोजीशन लेना पड़े, अपोजिट ऑफ व्हाट योर अंडरलाइन इज मैडम, और किसका अपोजिट लूंगा मैं, अंडरलाइन में जो पोजीशन है उसका अपोजिट लेना है, अपोजिट, मैं हर बार शॉर्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि अंडरलाइन में जरूरी नहीं हर बार लॉन्ग हो, आगे जाके ऐसा भी कुछ समय आएगा जहां पे उन्होंने बोला अंडरलाइन में शॉर्ट है, तो
तो हेजिंग करने के लिए क्या करूंगा, डेरिवेटिव में लॉन्ग, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज माइनस ही आएगा। क्यों बताए? क्योंकि माइनस मतलब ऑपोजिट। अब कभी भी तेरा पोर्टफोलियो जो भी है उसको हेज करने के लिए डेरिवेटिव में ऑपोजिट पोजिशन नहीं लेना पड़े। अभी तू सोच, तेरे को फॉरेन करेंसी क्या डर था, तेरा फॉरेन करेंसी तेरे को फॉरेन से मिलने वाला था एक्सपोर्टर को, तेरे को फॉरेन करेंसी गिरने का डर था तो तूने फॉरवर्ड में शॉर्ट किया था या सेल किया था, या पे मेरा स्टॉक मेरे को गिरने का डर है तो फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा हूं मैं। वी ऑलवेज टेक काउंटर पोजिशन। मैं वापस से बोल रहा हूं, कैलकुलेशन कर रहा हूं बट मैथ्स के भरोसे मत जाना। अंडरलाइन का हेज करने के लिए रिवर्स पोजिशन। तुमको धीरे धीरे मैं क्या करा रहा हूं पता है? पहले पूरा दिन टीएफपी पे करवाया, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज पे। अब ऐसे समय जहां पे सुनना, जहां पे हेजिंग करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज निकाला, फिर उसके लिए टीएफपी भी तुमने ढूंढा। अब बाकी सब रेडीमेड कुछ डेटा दिया था, पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो का वैल्यू, वो भी ढूंढने लगाऊंगा। तो अभी पोर्टफोलियो बीटा भी तू ढूंढेगा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी ढूंढेगा, टीएफपी भी ढूंढेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी ढूंढेगा, ऐसा समय आएगा। उसका प्रिपरेशन करके मैं जाऊंगा, पूछने तो फिर इंस्टीट्यूट को जो पूछना हो। अंडरस्टैंड? तब तो मजा ही अलग आएगा। उसके बाद ब्रेक बनता है, मैं ब्रेक दूंगा। तब तक नहीं, तब तक संभाले रखो मैडम, तब तक मैनेज इट। हाँ, किधर फॉर्मूला में साइज है तो फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज उसका मतलब क्या कि एक फ्यूचर कितने का है? हाँ मतलब वी यूज द वर्ड व्हाई, सुनो, फ्यूचर और ऑप्शन में अपन लॉन्ग शॉर्ट यूज करते हैं, फॉरवर्ड में लॉन्ग शॉर्ट नहीं, बाय सेल यूज करते हैं। हाँ लेकिन पोजीशन क्या लेगा, पोजीशन क्या लेगा? हाँ ठीक है, नहीं क्वेश्चन में नहीं, अंडरलाइन लॉन्ग है। हाँ यू हैव शेयर्स राइट, हाँ यू हैव द पोर्टफोलियो राइट राइट। You want one future का value into number of lots, I mean into the contract size, lot size will be the future contract size. तो एक रिलायंस का फ्यूचर का भाव 1100 है और 10 का लॉट है तो 11000 का एक लॉट है, उसको वो जो 11000 का एक लॉट है उसको मैं बोलता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज। एक सेकेंड, गेन और लॉस, फ्यूचर का गेन और लॉस, तू लॉन्ग फ्यूचर में किया तो शॉर्ट भी फ्यूचर में करेगा, लॉन्ग 4 मंथ वाले फ्यूचर में किया शॉर्ट भी 4 मंथ वाले फ्यूचर में करूं, फिर भले 1 सेकेंड बात करूं, 1 महीने बात करूं या 3 महीने बात करूं, निफ्टी के फ्यूचर में घुसाऊ निफ्टी के फ्यूचर में बाहर निकलूंगा। इसके लिए कंफ्यूजन हुआ, इंडेक्स बोला, इंडेक्स फ्यूचर नहीं, इसके लिए दोनों बार मेरे को इंडेक्स फ्यूचर निकालना पड़ा। मैं बोला ना पूरा क्वेश्चन नहीं पलट जाता अगर इंडेक्स फ्यूचर बोला रहता तो, मैं इतना मेहनत नहीं करना था। वही तो था सबका कैच। क्या बोलते हो? हाँ क्या बात? हाँ एक सेकंड, वो तो जब पकड़ा था ना सीरिया वालों ने रशियन सुखोई वाले को, S-30 वाले को, सीरिया वालों ने, तो उसको भी बहुत मारा था, और फिर तो जिंदा नहीं छोड़ते वो लोग। बट फिर रशिया ने जो बैरल बॉम्ब डाले सीरिया पे, बैरल बॉम्ब द मोस्ट डेंजरस बॉम्ब टिल डेट आफ्टर न्यूक्लियर बॉम्ब, वो एक ऐसा बॉम्ब है जो ब्लास्ट होने के बाद नॉनस्टॉप फटते रहता है आधे घंटे तक, दैट इज कॉल्ड बैरल बॉम्ब, हालत टाइट कर दिया था।
वो टर्की ने उड़ाया था प्लेन सीरिया का, फिर जाके टर्किश प्रेसिडेंट माफी भी मांगा रहेगा पुटिन के साथ, वो मीटिंग वीटिंग किया है नॉन। नहीं, वो नहीं, रशिया वॉज फाइटिंग इन सीरिया और रशियन फाइटर जेट को टर्किश ने मिसाइल से उड़ाया था, टर्किश जो टेररिस्ट ग्रुप को, टर्किश जो सपोर्ट करता था उन्होंने, तो रशियन फाइटर का भी ऐसा ही वीडियो आया था। बट फिर उन्होंने, रशिया ने मतलब टर्की ने माफी मांगा रशिया को, उनको भारी पड़ा, रशिया ने पूरा एरिया ही उड़ा डाला बैरल बॉम्ब से। चलो ये तो भारी पड़ने वाला है अभी आगे जाके। चलो क्या पब्लिक, ट्राई एवरीवन, जरा क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहां पे मैंने लिखा है द 4 मंथ फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ हैज 3 मंथ लाइफ रिमेनिंग, इसीलिए अपन ने उसका वैल्यू निकाला कैसे 3 मंथ के लिए। वहां पे अगर आप करेक्शन वहां पे जरा कर देना पब्लिक, वहां पे द 4 मंथ फ्यूचर, सॉरी 4 मंथ फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद उसमें 3 महीने का लाइफ है। अब उन्होंने अपने को डायरेक्ट बोला था गेन और लॉस इन फ्यूचर्स पोजीशन निकालो, लेकिन उसके लिए पब्लिक आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह भी निकालना था, किधर गया, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी निकालना पड़ा, पोजीशन वोजिशन लिख के टोटल गेन, फिर लॉस वाले को तुम करेक्शन कर सकते हो। एवरीथिंग यहाँ पे सिर्फ उन्होंने आपको शॉर्ट पोजीशन पे गेन या लॉस हो रहा है वो बोला, जैसे तूने बोला शॉर्ट करने का कि नहीं करने का, वो उन्होंने बोला नहीं बोला रहता तो भी मैं शॉर्ट करता क्योंकि मैं हेज कर रहा हूँ। मैं हेज कितना कर रहा हूँ मैडम, नहीं बोला तो मैं कंप्लीट हेज कर रहा हूँ, और ये हर बार नहीं बोले तो भी मैं कंप्लीट हेज करूंगा, मैं इंडेक्स फ्यूचर में हेज करूंगा, इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग या शॉर्ट करूंगा, तो इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस चाहिए, उन्होंने इंडेक्स का दिया, इसके लिए मैंने दोनों बार टीएफपी निकाला। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड इंडेक्स फ्यूचर, वो निकालना ही पड़े, बोलो। हाँ मैडम, वापस से मैं बोल रहा हूँ, बीएससी इंडेक्स अलग और बीएससी इंडेक्स का फ्यूचर अलग, निफ्टी का स्पॉट का भाव अलग, निफ्टी फ्यूचर का भाव अलग। क्या 1.5? हाँ उसका क्या मैडम, वो किसका बीटा है आप समझ नहीं रहे हो, आपके आपका एसेट क्या है यहाँ पे, आपका ये एसेट है, पोर्टफोलियो है, उसका बीटा है 1.5, मतलब मार्केट में चेंज होगा तो पोर्टफोलियो 1.5 से चेंज होता है, उसका मेरे को इंडेक्स का बीटा कैसे देंगे, इंडेक्स का बीटा इज 1, हर बार मेरे को बीटा किसका मिलेगा यहाँ पे, ऊपर वाले सब स्टॉक में देखो ना आपको मैडम बीटा किसका दिया रहेगा, वो आपके एसेट का बीटा दिया रहेगा, मार्केट के साथ उसका रिलेशन कैसा है आप भूल गए, बीटा मतलब क्या, किसका सेंसिटिविटी, स्टॉक का विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, यहाँ पे किसका सेंसिटिविटी, पोर्टफोलियो का बीटा है वो, किसके साथ, जिसके साथ हेज कर रहे हो, अरे पोर्टफोलियो अलग ही चीज है, उसको जिससे हेज कर रहे हो अलग चीज है, आप अपने पोर्टफोलियो को किसके साथ हेज कर रहे हो, आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर होगा क्या मैडम, तो इंडेक्स के फ्यूचर के साथ अपन हेज कर रहे हैं, कौन सा इंडेक्स, बीएससी इंडेक्स, क्या फर्क पड़ता है आपको जो भी हो उसके अंदर, ए बी सी डी स्टॉक हो देंगे तो ले लूंगा, जैसे अभी इसके बाद वाले सब में पोर्टफोलियो में दिया मेरे को, शेयर्स है, प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स है, तो मैं पोर्टफोलियो निकालूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से क्या है, मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का भी मैडम, ए बी सी डी इंडिविजुअली इनका फ्यूचर रह सकता है लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का फ्यूचर नहीं रहेगा, तो मैं कैसे हेज करूं, तो मेरे को इंडेक्स से हेज करना पड़े। सो ये सब में भी शायद अगर मैं हेजिंग करूं तो देखो क्या दिया है, निफ्टी फ्यूचर्स, क्यों, मेरे पोर्टफोलियो का बीटा जो भी रहे, मेरे पोर्टफोलियो का फ्यूचर नहीं रहेगा तो मेरे को इंडेक्स के साथ ही हेज करना पड़े, समझा क्या। चलो एवरीवन, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टू सम्स, लास्ट टू सम्स ऑफ फ्यूचर्स हेजिंग, ओके, नॉट ऑफ द डे। चलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपको, क्वेश्चन नंबर 31 साथ में करना है,
साथ में करना है, मैं बोल रहा हूँ वेरी मच इम्पोर्टेंट, साथ में करना है। और इधर मैं आपका थोड़ा मैच का परसेप्शन चेंज कर दूंगा और आपको वो बताऊंगा कि आपने अब तक ये दुनिया भर का मैच क्यों किया। एवरीवन, चलो क्वेश्चन नंबर 31, आप जितना चाहे इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, जो मार्क करना है कर दो। ऑन January 1, 2013, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, इन्वेस्टर हैज पोर्टफोलियो ऑफ 5 शेयर्स ए बी सी डी ई, उसका प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया। सर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर से क्या आता है? मार्केट वैल्यू। एवरीवन, और सबका टोटल मारू तो पोर्टफोलियो वैल्यू। और सर बीटा दिया है इंडिविजुअल, पोर्टफोलियो वैल्यू आएगा तो मेरे पास वेट्स आ सकता है, और अगर वेट्स को मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूं तो पोर्टफोलियो बीटा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो बीटा, बी पॉजिटिव, ये दोनों चीज आ गया जो मेरे को आगे हेजिंग में काम लगे। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू द इन्वेस्टर इज कितना? 10.5%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या? पोर्टफोलियो बीटा। एवरीवन निकाल सकते हो? जरा स्टार्ट करो, चलो सॉल्यूशन में पब्लिक, एवरीवन इन द क्लास, पोर्टफोलियो बीटा। आपको शेयर्स दिए ए बी सी डी ई, और उनका आपको प्राइस दिया हुआ है, उनका आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है जिससे आपको मिलेगा वैल्यू, तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। और रिस्पेक्टिवली आपको बीटा दिया हुआ है, वो उसके लिए आपको बीटा से भी पहले आपको वेट्स निकालना पड़ेगा वैल्यू से। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके, एनीवन विद वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो? उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 8 5 4 8 6 0 इज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ट्रू? वेट्स इनटू बीटा, बीटा उन्होंने दिया हुआ है, एम प्लस का सहारा लेना, वेट इनटू बीटा, एम प्लस में डालते जाना। करो करो, पॉइंट 8475, राइट? यू कैन टेक 0.85 ऑल्सो, राउंड फिगर। पॉइंट 8475 आएगा आपको, आप उसको 0.85 राउंड फिगर कर सकते हो।
आया पोर्टफोलियो बीटा। अब एक इंफॉर्मेशन उन्होंने जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ, वो है अभी तक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10.5%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देव मेंशन इज 10.5%। चलो आ गया पोर्टफोलियो बीटा पब्लिक। क्या बोला आगे क्वेश्चन में पार्ट बी में, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर फॉर फेब्रुवरी 2013 अज्यूमिंग कितना 365 डेज। फेब्रुवरी 2013, सर आप किधर खड़े हो सब में, वेयर एग्जैक्टली ऑन विच डेट यू आर। 1 जनवरी 2013 से फेब्रुवरी 2013 365 डेज बोला है। क्या बोला है बाय द वे निकालने, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। तो सर व्हाट इज टीएफपी, टीएफपी कैन आई से इज एस प्लस सी माइनस डी। एवरीवन बराबर ना। अब सर वो जो एस एस है, एस कितना है, स्पॉट 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 स्पॉट। निफ्टी का कुछ दिया है क्या उन्होंने, अभी तक तो नहीं दिया। तो सर जरा मैं ना थोड़े टाइम के लिए पार्ट सी में जाता हूँ ताकि मेरे को स्पॉट का इन्फॉर्मेशन शायद उधर से मिले, अभी तक तो दिया नहीं है निफ्टी का करंट भाव। एवरीवन विद मी ऑन दिस। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पार्ट सी में बोला है निफ्टी फ्यूचर्स दैट इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट, टू गेट क्या मैडम, फुल हेज मतलब क्या, टारगेट बीटा जीरो अंटिल फेब्रुवरी फॉर इट्स पोर्टफोलियो। द करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 5900। क्या मिला मेरे को, निफ्टी का करंट प्राइस मिला। एंड निफ्टी हैज मिनिमम ट्रेड लॉट ऑफ 200 यूनिट। क्या है ये, लॉट साइज। और बोला है अज्यूम द फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट फेयर प्राइस, मतलब जो आपका फ्यूचर का प्राइस आ रहा है वही एक्चुअल प्राइस है। सर इधर से मेरे को क्या उठाना था, स्पॉट प्राइस 5000। क्या बोला है 900। अभी जरा ध्यान देना, डिविडेंड का कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं तो डिविडेंड को मारो गोली। अभी क्या बचा सर, कॉस्ट ऑफ कैरिंग। सर उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 10.5% दिया है, लेकिन सब में देखना कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो घाई मत करना। अभी सर 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 जरा मेरे को टाइम तो बताओ, कब से कब तक का इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से, क्या मैं बोल सकता हूँ उन्होंने बोला है जनवरी 1, 2013 से फेब्रुवरी, कोई डेट है क्या फेब्रुवरी का कभी का, तो क्या करूँ मैं, एंड ऑफ द मंथ। अब मेरे को थोड़ी बताओ तभी थर्सडे कभी था, तो क्या लेने का 28, 2013। सर कितना दिन होता है, कितना दिन होता है, 59। ओके 59 डेज होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 10.5 ना, तो आइडियली एक्सपोनेंशियल है। तो अभी अपन कैसे करते हैं, एस इंटू ई रेस टू आर टी करते थे। अभी कोई कुछ लिखना मत, 2 मिनट प्लीज। सो मैं क्या करता था, 5900 इंटू ई रेस टू आर, आर में क्या लिखता सर, 0.105 इंटू टी, कितना बोला आपने सर, 59 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 365। जरा कैल्सियम में डाल दो, 0.105 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 365 कितना आता है, क्या आता है आपके पास, 0.0167। जो चाहिए वो तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना वो तो, अभी जरा ध्यान दो इसके लिए। अब छोड़ दो जो चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब अगर समझो कि मेरे को नहीं पता इसका, इसका मैं इधर अटक जाता हूं, तो मैं इधर सर टीएफई का प्राइस बाद में निकालू, होल्ड ऑन, ये टीएफई को इधर ही होल्ड कर दो। आगे बढ़ते पार्ट सी में, क्या करना था पार्ट सी में, क्या करना था, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज। क्या बोला, ढूंढने कॉन्ट्रैक्ट साइज। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज का फॉर्मूला याद है, टारगेट बीटा माइनस पोर्टफोलियो टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज। एवरीवन हाँ, क्या बोला है, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज निफ्टी फ्यूचर द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट अ फुल हेज। सर फुल हेज आते ही मैं क्या लिखूंगा, टारगेट बीटा जीरो और पोर्टफोलियो बीटा, सर पोर्टफोलियो बीटा निकाला ऊपर 0.85,
तो सर फुल हेज करने के लिए मैं टारगेट बीटा 0 -0.85 इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऊपर निकाला है 1885486 0, 1885486 0 डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज। सर फ्यूचर कितने का है वही तो नहीं पता ऊपर, लेकिन एक फ्यूचर में लॉट कितने का है, लॉट बोला है उन्होंने 200 का है, तो मेरे को पता है 200 का लॉट है, तो मैं इंटू 200 करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज आएगा। सबसे पहली बात, मैं रिस्क कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, 0.85 से कम कर रहा हूँ ना, तो इधर क्या आने वाला है आंसर, नेगेटिव आएगा, मतलब लॉन्ग किया है अंडरलाइन में तो शॉर्ट करना, वो बात तो नक्की है। ये पार्ट सी हो गया। पार्ट डी, द नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वेस्टर शुड हैव इफ ही डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 0.6। पूरा हेज नहीं करने बोला है, कितना बोला है 0.6, मतलब सर क्या ये 0.6, क्या मैं बोल सकता हूं ये टारगेट बीटा दिया है 0.6? एवरीवन टारगेट बीटा, हाँ लेकिन सर बाकी सब चीजें तो सेम ही ना, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज वापस कैसे निकालूंगा, टारगेट बीटा क्या लूंगा अभी मैं 0.6 -0.85 इनटू 1885486 0 अपॉन आई डोंट नो द टीएफपी इनटू 200, लेकिन सर अभी भी मैं रिस्क क्या कर रहा हूं, कम ही कर रहा हूं ना, माइनस ही आने वाला। सर अभी पूरा सम किसके लिए अटक रहा है, पूरा सम किसके लिए, टीएफपी, उसके अलावा एवरीवन क्लियर, सम में क्या करना था, एवरीवन उसके अलावा एनीवन एनी इश्यूज नहीं। नाउ लेट्स फोकस ऑन टीएफपी। पब्लिक मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर उन्होंने क्वेश्चन में 2 मंथ फ्यूचर बोला रहता तो आप 2/12 कर डालते। ये डेट का लफड़ा क्या है मैं आपको बताता हूं। आज आज समझो आज कौन सा तारीख है सर, आज तारीख बताओ जरा मेरे को, आज डेट क्या है, 27, समझो 27 तारीख है सर, आज मैं बैंक में पैसा डालू, समझो ना आज मैं 27 नहीं, आज मैं 25 तारीख लिखता हूँ, आज 25 तारीख है, आज मैं बैंक में पैसा डालू और 27 को निकालू, कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को बैंक से? आज मैं पैसा डाला 25 तारीख को, 25 तारीख को पैसा डाला, 26 तक रखा, 27 को निकाला, कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, दो दिन का इंटरेस्ट मिलेगा ना एवरीवन, 25 का इंटरेस्ट मिलेगा क्या, या तो 25 का या तो 27 का, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना 25 का भी दे, 26 का भी दे, 27 का भी दे, एवरीवन। सो मेरे को एक बात बताओ, अब जब मैं 1 जनवरी से 20 फरवरी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहा हूं 1 जनवरी से, तो मैं जनवरी के अगर 31 डे ले रहा हूं तो फरवरी का भी अगर 28 दिन पूरा ले रहा हूं, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जनवरी का फर्स्ट डे का भी और लास्ट डे का भी फरवरी का, समझे क्या कुछ चीज, दिस बिकम्स एन इश्यू व्हेन डेट्स कम इनटू पिक्चर। सो नाउ माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी, अरे कैलकुलेटर मत ठोको, रुको अभी अभी और तकलीफ बाकी है, और तकलीफ बाकी है, मैं उस पे आ रहा हूं। सर पता चला क्या, दिन कितना, मतलब कितना दिन, 58 not 59, एवरीवन गेटिंग मी, ये 58 है लेकिन 58 पे करने पे भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अब उसके लिए मेरे को आपको थोड़ा बहुत बचपन का मैच कराना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, जरा ध्यान देना। अभी आपको मैंने अभी एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ बताया था, मैं अभी आपको एक्सपोनेंशियल ई रेस टू 0.025, ई रेस टू 0.05 और ई रेस टू 0.1, ये 3 एक्सपोनेंशियल के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं जो आपने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, मैं इधर ले लेता हूँ। हाँ चलो पहले दोनों पे ही फोकस करता हूँ और फिर इन्होंने जो दिया है वो, इन्होंने मेरे को ई रेस टू कुछ दिया है वो उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अभी पब्लिक ई रेस टू 0.025 मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, कंपाउंडिंग। सर इसको मैं फॉर एवर कंपाउंडिंग करूं तो इसका आंसर फैक्टर में क्या आता है, 1.025 से ज्यादा, इसका आंसर 1.05 से ज्यादा,
सर 1.025 से ज़्यादा, मतलब एग्जैक्टली कितना आता है? जस्ट जैसे अपन निकाले कैलकुलेटर में, मैं वापस से करूँगा 0.025 किधर, ई रेस टू एक्स 1.02531, मैं लिखता हूँ चार डेसिमल में, चार पाँच डेसिमल, 1.0253, हाँ चार डेसिमल में लिखता हूँ। वैसे ही सर 5% का अगर मैं निकालू, 5% का, तो 5% का कैसे करूँगा सर वहाँ पे मैं, 5% होना भाई, हाँ 0.05, सॉरी 0.05 का एक्सपोनेंशियल, सॉरी माय मिस्टेक, 0.05 का एक्सपोनेंशियल 1.0512 का 3 कर लेता हूँ क्योंकि 7 है, 1.0513। सर व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन कि 2.5% को अगर मैं फॉरएवर कंपाउंडिंग करूं तो कितना होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? कैन आई से 2.53%? 1.0253 माइनस 1 इंटू 100 करूंगा ना, फिर इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 5.13%। पब्लिक एक्सपोनेंशियल क्या करता है पता है? एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट में पड़े वैल्यू को फॉरएवर कंपाउंड करके किधर लेके जाता है? फ्यूचर में। फॉरएवर कंपाउंड करके किधर लेकर जाता है? फ्यूचर में। और अगर इसी चीज का मैं लॉग निकालू, लॉग नेचुरल ln, इसी चीज का मैं लॉग निकालू किसका सर? वो जो फ्यूचर वैल्यू, क्या है फ्यूचर वैल्यू? 1.0253, 1.0513, इसी चीज का मैं लॉग निकालू तो मेरे को क्या आउटकम आएगा जरा देखना। मतलब मैं सर ये जो मेरे पास वैल्यू है इसका मैं लॉग निकालू तो क्या आ रहा है आंसर? 0.05। क्या आ गया आंसर? 0.05। मतलब मैं अगर लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल निकालू तो आई गेट 0.05। उसी तरह मैं लॉग ऑफ 1.0253 निकालू तो आई गेट व्हाट? 0.025। तो लॉग क्या करता है सर? लॉग क्या करता है? लॉग क्या करता है? फ्यूचर में पड़े 1 रुपए को डिस्काउंट करके, फॉरएवर डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लाता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग फैक्टर है तो लॉग डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग है। समझे क्या अभी? व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? एंटी लॉग। एंटी लॉग जो आप बोलते हो दैट इज एक्सपोनेंशियल, उसका मतलब क्या? क्यों यूज होता है लॉग और एंटी लॉग? सर लॉग और एंटी लॉग शायद आपको अभी आज पता चले कि वो यूज होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। लॉग यूज होता है, लॉग यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए। एंटी लॉग जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, वो यूज होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। सर तो क्या क्या मैंने, क्या क्या मैंने पब्लिक, मैंने लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल किया तो ये नॉर्मल रेट आ गया। अब जरा क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने दिया है लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ 1.105 इज इक्वल टू 0.0998। सर तो ये 0.0998 का एक्सपोनेंशियल क्या हुआ रहेगा? 1.105, और उसी का लॉग करूं तो 0.0998। समझा क्या एवरीवन? क्या किया था मैंने अभी सर? अभी मैंने किया था ई रेस टू 0.025 किया था तो 1.0253 आंसर आया था। उसी का लॉग करूं 1.0253 का तो आंसर क्या आता है सर? 0.025। समझे क्या? आपको देखने का यहां पे तो जरा देख लेते अपन क्या करते सर। अपन यहां पे इक्वेशन में आप अगर दुनिया भर के साइंटिफिक कैलसी देखोगे ना तो आर यू नोटिसिंग जिधर एक्सपोनेंशियल करने का ना जिधर, उसी का उल्टा बटन क्या है? लॉग दिख रहा है, एलएन दिख रहा है, मैं चेंज कर रहा हूं ई रेस टू एक्स और एलएन। आपके फोन में भी अगर आपको कैलसी उठाओगे ना तो ई रेस टू एक्स और एलएन जैसे कंप्यूटर पे कैसे रहता है अपना नॉर्मल बटन के पीछे उसी का शिफ्ट वाला बटन रहता है, वैसे लॉग के पीछे ही एलएन है। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर ऑपोजिट। समझा क्या एवरीवन? सो व्हाट इज लॉग? व्हाट डज लॉग डू? लॉग फॉरएवर डिस्काउंटिंग करता है, एंड एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल
फॉरएवर कंपाउंड करता है। समझा क्या? आज पता चला क्या लॉ क्यों निकालते हैं? दुनिया भर के जितने इक्वेशन है ना, दुनिया भर के जितने इक्वेशन जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसमें आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल मिलेगा। उससे डरने का नहीं, वो लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या है? लॉग इज डिस्काउंटिंग, एक्सपोनेंशियल इज कंपाउंडिंग। कितना कंपाउंडिंग, कितना डिस्काउंटिंग? इन्फाइनाइट। एवरीवन एवरीवन, तो पूरी दुनिया जिसको एंटी लॉग बोलती है, एंटी लॉग उसको क्या है? एक्सपोनेंशियल। सर इससे पता क्या चलता है? 9.98% है ना, उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9.98 को कंपाउंड करूंगा तो इफेक्टिवली कितना आएगा? 10.5%। तो 10.5 है ना जो उन्होंने दिया है सर, उन्होंने गलती कर दिया है, वो बोला नहीं है, बट उन्होंने जो 10.5% ये दिया ना, किधर दिया ये 10.5%? ये ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली? 9.98। समझा क्या? 9.98 को सर, 9.98 को अभी अभी करो, 9.98 को क्या? 9.98 ई रेस टू में क्या लिखूंगा अभी सर? ई रेस टू में लिखूंगा 0.0998 इंटू 58 बाय 365 करो तो आपको आ जाएगा जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, 0.01585। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये बोलते हैं, सर हमको ये कैसे याद रहे, कैसे याद रहे? अरे दोस्त नहीं याद रहे तो एक्सपोनेंशियल दिया है, तो जो दिया है वही ले ले, और कोई चॉइस है क्या? सम छोड़ के नहीं आने का, सम छोड़ के नहीं आने का। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे क्या, सुनो मेरी बात, कि सर ऐसा लॉग देख के हम लोग डर गए, सम छोड़ दिए। मैं बोला अरे एक्सपोनेंशियल दिया है ना, अभी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल आ नहीं रहा था, वो डाल देते तो पूरा सम खत्म हो जाता। मैं आपको तैयारी करा रहा हूं उस चीज का कि दो एक्सपोनेंशियल दिया रहता तो ये करना पड़ता। आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि लॉग क्यों निकाला जाता है, एंटी लॉग क्यों निकाला जाता है। तो सर जब उन्होंने 1.105 का ये बोला, सो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, 9.98 का इफेक्टिव इज 1.105। पब्लिक अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जरा ध्यान दो सर। ये जो अपन ने किया क्या क्या सर, मैंने सुनो ई रेस टू एक्स किया तो मेरे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिला, उसी का लॉग किया तो वापस क्या मिला? एक्स। याद आ रहा है लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स इज एक्स, लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स इज एस, लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स इज एक्स इज दिस। थोड़ा बहुत अगर याद हो तो एवरीवन, क्लिक हुआ क्या, किसी को हुआ क्या? लॉग ऑफ ई टू द बेस एक्स इज कॉल्ड एज एक्स। मतलब क्या सर, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल निकालू तो एक्स आ जाए, लॉग ऑफ 1.0513 निकालू तो एक्स मतलब ओरिजिनल रेट आ जाए। सो सर लॉग ऑफ 1.105 जो उन्होंने बोला है वो निकालू तो 0.0998 आ जाए, और इसी का एक्सपोनेंशियल करूं 0.0998 तो इफेक्टिवली 1.105 आ जाए, और इसी का लॉग निकालू तो वापस 0.0998 आ जाए। लॉग ऑफ ई रेज़ टू एक्स इज एक्स। समझा क्या? ये सब मैथ्स क्यों किया था एवरीवन? तो सर अभी जो आपके पास फैक्टर है क्या, 1.0598 से मल्टीप्लाई करो, 5,900 इंटू 1.015 क्या है, 1598 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको आंसर आ जाएगा, और बाकी सब आंसर भी अपने आप फॉलो हो जाएगा। लेकिन बताना जरूरी था कि ये सब में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, और आधे स्टूडेंट वो लॉक देख के डर जाते, भाग जाते हैं, लेकिन सब में हिंट था कि भाई एक्सपोनेंशियल दिया है, जो दिया वो ले ले। समझा क्या? क्या आता सर 5,900 निकालो, ये तो सिर्फ लॉग एक्सपोनेंशियल निकला, सम बाकी है 5,994.28। सर वो 5,995,994.28 से कॉन्ट्रैक्ट साइजेस निकालो, 5,994.28 कॉन्ट्रैक्ट साइज। हाँ आपको एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन समथिंग,
सो यू कैन राइट 13.37 विच इज अप्रोक्सीमेटली 14 कॉन्ट्रैक्ट्स, या आप 13 भी कर सकते हो, अगर 0.5 से कम है तो यू कैन पुट 13. सो आई डू वॉट शॉर्ट विथ 13 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ किसका फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर्स. राउंड फिगर नहीं आ रहा है ना, तो आपको 13 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट करना पड़े. दूसरे में निकालो सर कितना आता है. हाँ माइनस क्या 3.93, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट करना पड़े. मैं आपको वापस से बता रहा हूं, ये सम में एक ही एक्सपोनेंशियल दिया था जब इंस्टीट्यूट ने ये सम पूछा था मई 2013 में, तब एक ही एक्सपोनेंशियल दिया था, तो स्टूडेंट आग बन करके वो भी लेके आता तो भी आंसर राइट आता. लेकिन अपन ये सब डिस्कशन किए, अगर सम में एक से ज्यादा एक्सपोनेंशियल रहता तो आई एम प्रिपेयर्ड. अंडरस्टूड एवरीवन, ये सब मैंने वापस सॉल्यूशन में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है जरा देखो, लॉग नेचुरल इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, कंटिन्यूअसली कंपाउंड करता है वैल्यू एट फ्यूचर. तो लॉग क्या करता है, कंटिन्यूअसली डिस्काउंट करता है. सो लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स इज एक्स. दूसरा, 1 जनवरी से 28 फरवरी में 58 डेज. सो सर एक्चुअली सीओसी उन्होंने 10.5% बोला, बट वो इफेक्टिव है. सीओसी है क्या, 9.98%. ये इंस्टीट्यूट का गूफ अप. उन्होंने लिखना नहीं चाहिए था सीओसी 10.5%, उन्होंने लिखना चाहिए था इफेक्टिव सीओसी 10.5%. तो सीओसी इज 9.98, जो इफेक्टिव करके 10.5 हो रहा है. समझा क्या पब्लिक, वो उनके क्वेश्चन में इज एन इश्यू. बराबर है. बिफोर आई गिव यू ऑल अ गुड ब्रेक, वी हैव टू डू वन मोर सम, एंड दैट इज नॉट एज टफ एज दिस सम, बट दैट इज बेस्ड ऑन नवंबर 2013, द लकी अटेम्प्ट. लकी फॉर दोज हु डिड नॉट गिव. अंडरस्टैंड. नवंबर 13 के बाद नवंबर 16 वाज डेंजरस. अभी स्टूडेंट दिमाग लगता है नवंबर 16 का, नवंबर 19 डेंजरस होगा. रे भाई ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है. मैं वैसे बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ, सर नवंबर तो टफ ही आता है ना. आधी से ज़्यादा पब्लिक ऐसा ही मानती है, नवंबर तो टफ ही आता है. आता रहेगा भाई, पता नहीं. तो सब ऐसे आधा अधूरा सुना हुआ है. फेक न्यूज बहुत ज्यादा है तुम्हारे इंडस्ट्री में, फेक न्यूज बहुत ज्यादा है. पब्लिक वेबसाइट हैक कर डालता है, पब्लिक टेस्ट का वेबसाइट बना डालता है, पैसा ले लेता है. तुम्हारे वहां पे तो खाना भी फेक मिलता है, पब्लिक को पॉइजन हो जाता है. फूड पॉइजन हो गया था पता कि नहीं. बहुत फेक है. किसमें, वसई ब्रांच में फूड पॉइजन हो गया था. सो एक स्टूडेंट मेरा बोल रहा था, उसने पूछा था कि अरे यार ऐसा सब खाना दे रहे हो, सबको फूड पॉइजन हो गया. तो उसको बोला मत खा. हाँ. बाप रे, मैं बोला डब्बा लेकर जाओ भाई, मत रिस्क लो. एवरीवन चलो, आपने ये जो फ्यूचर हेजिंग किया अब तक का, उसका आपका अल्टीमेट टेस्ट आ गया है. क्वेश्चन नंबर एवरीवन इन द क्लास राम, क्वेश्चन नंबर 32. एवरीवन क्वेश्चन नंबर 32 राइट. हाँ पढ़ना ब्रिजेश दोस्त. अच्छा कितना, एक सेकेंड, किसका एक्स लिमिटेड का क्या क्या, उसने 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स में लिख लेता हूँ, 10,000 शेयर्स क्या क्या बाय किया. तो सर बाय किया तो पोजीशन लिख देता हूँ मैं, पोजीशन क्या किया उसका, लॉन्ग है. हाँ एट क्या भाव पे दिया दोस्त तेरे को,
तो तेरे को मार्केट प्राइस भी दिया हुआ उसका 22। ओके हाँ, इसका बीटा कितना है? 1.5। किसके साथ होगा इसका ये बीटा, मतलब रिलेशन किसके साथ? मार्केट के साथ, तो मैं इसको पोर्टफोलियो बीटा बोलता हूँ। और सर आपको नंबर ऑफ शेयर और करंट मार्केट प्राइस दिया, तो आप वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी निकाल सकते हो। निकालो सर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 2,20,000। आगे सेल्स क्या? ए ए लिमिटेड का कितना शेयर्स? 5,000। क्या भाव पे? 40 पर शेयर पब्लिक। लेकिन पोजीशन क्या है इसका? शॉर्ट है, ध्यान देना अच्छे से। हाँ ओके, आई टेक बीटा, पोर्टफोलियो बीटा इसका कितना है? 2 2। ओके सर पोर्टफोलियो वैल्यू कितना? पोर्टफोलियो वैल्यू कितना सर? पोर्टफोलियो वैल्यू 2 लाख। लेकिन ध्यान रखना 2 लाख शॉर्ट है। हाँ आगे, एवरीवन इन द क्लास व्हेन ही सेज कंप्लीट हेज, मतलब पब्लिक को इधर से ही जानकारी मिलना चाहिए। क्या टारगेट बीटा क्या सर? 0 एवरीवन। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ, एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग होना चाहिए। तो टारगेट बीटा कितना है सर? 0। हाँ कैसे टारगेट बीटा 0, मतलब किससे हेज कर रहा है दोस्तों? हम निफ्टी फ्यूचर्स एट ₹1,000 ईच। ओके हाँ, मतलब सर ये 1,000 क्या है उसका? निफ्टी फ्यूचर का प्राइस। तो फ्यूचर का प्राइस कितना है सर? 1,000। निफ्टी फ्यूचर का, निफ्टी का नहीं, निफ्टी फ्यूचर मतलब टेंशन नहीं लेना। आगे ओके, क्लोजिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे, एक दिन बाद पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देगा। हाँ व्हेन 2% से क्या हो गया? इसका वैल्यू फॉल हो गया। हाँ किसका, ए का या एक्स का? एक्स का। हाँ अप्रिशिएटेड बाय 3%। ओके हाँ, निफ्टी ड्रॉप बाय 1.5% से निफ्टी गिर गया। पब्लिक जरा ध्यान देना, अभी इंटरेस्टिंग चीज हो गया है कुछ सम में। ओके अब तक के समय और ये समय क्या फर्क है मैं बता देता हूँ, ताकि आपको करने में आसानी हो। सर अब तक आपको क्या दिया जाता था पता है? निफ्टी 1.5% से गिरा, और आप अंदाजा लगाते थे बीटा को देख के कि एक्स कितना गिरेगा और ए कितना गिरेगा। समझे क्या मतलब? अगर ये 2% और 3% नहीं दिया रहता, तो अगर निफ्टी मतलब मार्केट 1.5% से गिरेगा तो एक्स कितने से गिरेगा? ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? तो 1.5 × 1.5 3 होता है। ये गलती करता है स्टूडेंट, क्या होगा सर? 2.25। तो कितने से एक्स गिरना चाहिए था? 2.25 से गिरना चाहिए था। मैडम कितनी बार कैलकुलेट करोगे? कई को लोड ले रहे हो, आप ऐड कर रहे थे, वो फॉल हो रहा है। अपन 10% मार्केट फॉल, तो बीटा इनटू चेंज करते हैं, प्लस नहीं करते। सो 1.5% से अगर उन्होंने मेरे को ये सिचुएशन नहीं दिया रहता जो ये सब में अनफॉर्चुनेटली दिया है, तो मैं क्या बोलता? एक्स कितने से गिरता? 2.25% से। और तो कंप्लीट हेज होता, कंप्लीट हेज होता मतलब गेन लॉस क्या आता उधर? 0 आता। अभी आएगा क्या? डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जितना होना चाहिए था उतना फॉल नहीं हो रहा है। सो सर आपका गेन लॉस हो सकता है एवरीवन। अब एक अभी इंस्टीट्यूट का गलती है या उन्होंने जानबूझ के किया है वो मैं बताने जा रहा हूं। क्या पता है क्या? निफ्टी कितना है? 1.5 फॉल हुआ, 1.5%। ए का बीटा कितना है? 2। उसके हिसाब से ए गिरना चाहिए था कितने से? 3% से, लेकिन 3% से बढ़ रहा है। अब मेरे हिसाब से ये इंस्टीट्यूट का गलती है, बट ऐसा सब में डाला था उन्होंने।
हाँ अभी तुम ये डाल सकते हो कि माइनर चेंज हो सकता है, मतलब 2.25 का 2% हो जाए वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 3% फॉल का राइज हो जाए, लेकिन जो बोला है वो करना पड़े। इन शॉर्ट क्या हो जाएगा सर? इन शॉर्ट कंप्लीट हेजिंग बोलने के बावजूद और कंप्लीट हेज करने के बावजूद नेट गेन लॉस जीरो नहीं होगा, समझ रहे हो क्या? अगर ये दोनों, आई रिपीट, ये दोनों नहीं बोला रहता और मैं अप्लाई करता तो जीरो होता, क्योंकि मैं क्या अज्यूम करता, मैं क्या अज्यूम करता सर, एक्स कितने से गिरेगा? 2.25 से, और ए 3% से गिरेगा, लेकिन उन्होंने बोला बढ़ेगा। मैं आपको ये सब हिंट दे रहा हूं। आगे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्त? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस टू राम। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मतलब किसमें सर? तीनों, तीन पोजीशन में। तीन पोजीशन? आर यू श्योर तीन पोजीशन है या दो पोजीशन है? जो भी है एवरीवन, चलो ट्राई आउट द सम। सब आपके सामने है, आपको जो पढ़ाया है ना सब उसके अंदर है। दो चीज करना है सर, आपका लॉजिक ठिकाने रखना है और सम के इंफॉर्मेशन और लॉजिक का मिलन होके आंसर आएगा। आप इंफॉर्मेशन में अपना लॉजिक डालो, लॉजिक में इंफॉर्मेशन गुफ अप मत करो। डोंट इग्नोर देयर इंफॉर्मेशन, फॉलो देयर इंफॉर्मेशन, अप्लाई योर लॉजिक। एवरीवन शुड गेट आंसर नवंबर 2013, वेरी इंपॉर्टेंट सम। और सर गेन लॉस जीरो आएगा क्या? नहीं, इधर गेन और लॉस कुछ तो आने वाला है, निकालो। सुना मेरी बात? कुछ चीजें क्वेश्चन में नहीं दी है, मैं अभी से बता रहा हूं, उसमें तुम्हारे दिमाग में जो आए वो डालो, इधर उधर पूछना मत मेरे को। आई रिपीट, अभी तुम जब सम शुरू करोगे ना तो तुम बोलोगे अरे सर ये इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? तुमको जो दिमाग में आए करो, समझा क्या? ये मैं हिंट दे रहा हूं, स्टार्ट डूइंग इट ओनली एंड ओनली इफ यू गेट फाइनल आंसर, टॉक टू मी, और इट्स नॉट। आई नीड यू ऑल टू अप्लाई पूरे दिन का नॉलेज इन दिस सम। एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट। चलो एवरीवन सुनो अच्छे से सर, पोर्टफोलियो बीटा टारगेट बीटा तो है, कॉन्ट्रैक्ट साइज तो निकाल ही सकते अपन। कॉन्ट्रैक्ट साइज टारगेट बीटा जीरो माइनस पोर्टफोलियो बीटा कितना है सर? 1.5 इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना है? 2,20,000 अपॉन कितने का है निफ्टी? 1,000। लॉट दिया है क्या? नहीं दिया है, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, तेल लेने का ना, नहीं दिया ना। 1,000 कितना निफ्टी देख लेता हूं मैं, ऐसा समझो एक ही है निफ्टी, कोई लॉट है ही नहीं। कितना रहा इधर? 330 माइनस, मैं पहले लिख लेता हूँ 330 माइनस। हाँ इधर 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 सेम तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज वापस से कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालूंगा। टारगेट बीटा जीरो माइनस टू इंटू कितना है? 2,00,000 अपॉन 1,000 कितना आ रहा है? माइनस 400 माइनस, दोस्त माइनस मतलब, माइनस मतलब ऑपोजिट, अंडरलाइंग में लॉन्ग था तो शॉर्ट। 330 किसका? निफ्टी फ्यूचर्स। माइनस मतलब ऑपोजिट, ऊपर लॉन्ग है तो इधर, सॉरी ऊपर शॉर्ट है तो इधर लॉन्ग। 400 निफ्टी फ्यूचर पब्लिक, 330 निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करूं और 400 लॉन्ग करूं तो 330 तो स्क्वायर ऑफ ही हो जाए, तो ऐसा काय को मैं करूं? मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्या? नेट, नेट क्या करूंगा? लॉन्ग 70 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स। मैं मैथ्स थोड़ी ना कर रहा हूं कि दोनों अलग से करूं सर, जरा इमेजिन तो करो, निफ्टी फ्यूचर अगर आप 400 लॉन्ग कर रहे हो और 330 आप शॉर्ट कर रहे हो तो सर 330 अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो मैं क्या कहूँ ब्रोकरेज और एसटीडी भरू बिना मतलब का? मैं 70 निफ्टी लॉन्ग करूं, अब 70 निफ्टी लॉन्ग करूंगा अभी, फिर क्या करूंगा सर बाद में? शॉर्ट करूंगा उतना निफ्टी फ्यूचर्स। एवरीवन तो सर आपने लॉन्ग कितने पे किया रहेगा स्टार्टिंग में? 1,000 पे, और आप शॉर्ट कितने पे करोगे? 1.5% गिर गया तो 1,000 पे 1.5% करो माइनस, तो बेसिकली 150 का 1.5%, 150 सॉरी 15 ना, 150 या 15, 15 रुपए का कितना? एक निफ्टी पे
ऐसे कितने निफ्टी, 70 निफ्टी पे आपका इतना नुकसान, कितना नुकसान सर, 1050 का लॉस निफ्टी फ्यूचर पे। सुनना अच्छे से, इधर इधर सर 330 निफ्टी आपने शॉर्ट किया था, सॉरी निफ्टी फ्यूचर तो हो गया, उधर आपने क्या किया था सर, पोर्टफोलियो आपका कितने का था, 2,20,000 का, कितना 2% गिर गया। तो सर 2,20,000 पे 2%, 2% करो, 2,20,000 पे 2%, आपका कितना लॉस हुआ इधर, 2,20,000 पे 2%, 4,400, क्योंकि आपका लॉन्ग पोजीशन था और भाव गिरा। सर आपका शॉर्ट पोजीशन था और भाव बढ़ गया तो भी नुकसान, तो 2,00,000 पे 3%, कितना लॉस, 6,000। तो सर टोटल लॉस मेरा 10,400 और 10,000, ये क्या 11,450 का आपका टोटल लॉस है, तो पूरा मार्क्स आपके खींचे में है। एनीवन, कितका 11,450, एक ही, फिर भी 11,450 आया नहीं तो अच्छा तो क्या, अच्छा वो तो आना ही था सर, उतना तो लॉस होना ही था, कॉन्ट्रैक्ट साइज वाज द गेम। और मैंने क्या बोला, रुकना मत सम, कभी भी सम में रुकने का नहीं, कुछ शो करके आने का। अब तुम 10 भी अज्यूम करते दोस्त तो भी यही होता, तो 33 और 40 होता। हाँ लेकिन तू 50-60-75 मत करना, वरना वो आड़ा टेढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, तो राउंड ऑफ नहीं आता। जब तुम्हारे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या लेने का, तो काय को जबरदस्ती राउंड फिगर नहीं कर रहे हो, मतलब राउंड फिगर ही करो ना, तो ले भी लो तो भी ऐसा, मतलब कौन बोलता हो, नकल में भी अक्कल, तो अजम्पशन में भी अक्कल है, तो ऐसा लो कि राउंड फिगर आवे। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, 1 लो, 2 लो, 5 लो, 10 लो, बट ऐसा मत लो कि वो राउंड फिगर ना आए, समझे क्या एवरीवन, राइट एवरीवन, दिस इज व्हाट इट इज, नवंबर 2013। अब सर मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर उन्होंने ये नहीं बोला रहता ना, ये वाला जो दिया है ना उन्होंने 2% और 3%, तो नेट आंसर 0 ही रहा था, क्योंकि परफेक्ट हेज करता। अंडरस्टूड, ऐसा है सर, मैं एक सिर्फ आपको छोटा सा गुड न्यूज देता हूँ, नवंबर 13 के ऑल ड्रेडेड सम्स आर डन, ऐसा डेडली सम्स, ये आपने स्टॉक विथ फ्यूचर्स का टीएफपी आर्बिट्रेज और हेजिंग किया। अब आपको चाहिए 2-5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अपने को करना है करेंसी फ्यूचर्स, ठीक है, टेक अ ब्रेक एंड वेलकम बैक।